उनके कारण से भी ये डिमांड बढ़ सकती है, बट फिर भी ओवरऑल सर लगभग 4 गुना डिमांड कोविड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की बढ़ी है। सर यदि नेक्स्ट स्लाइड, 1 अप्रैल से एक स्लाइड पीछे ले, ओके नेक्स्ट स्लाइड। सर ये जिलेवार आंकड़ों की संख्या को यदि हम देखें तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया था सर, ये लगातार बढ़ोतरी है और ये जो लाल में जो जिले हैं यहां पर संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है सर। नेक्स्ट सर, ये एक पॉजिटिव केसेस का ग्राफ है सर जो मैं दिखाना चाहूंगा सर, कि राजस्थान में जो नए पॉजिटिव केसेस हैं ये किस ढंग से बढ़े हैं सर कोविड के स्टार्ट होने के टाइम से अब तक। सर यदि हम ये देखेंगे पहली वेव में जो इंक्रीज हुआ था सर वो काफी ग्रेजुअल था सर, मतलब यदि हम देखें कि जुलाई में एक तरीके से बढ़ना शुरू हुआ था सर जब इकोनॉमी को ओपन किया था, लॉकडाउन समाप्त किया था, उसके बाद से अक्टूबर तक ये बढ़े, फिर थोड़ा सा डिप हुआ था और फिर नवंबर दिसंबर में ये पीक हुआ था सर जिसमें पर डे लगभग 3000 केसेस हमारे पास आ रहे थे। तो एक तरीके से सर पूरा जुलाई से लेकर के नवंबर तक 4 से 5 महीने का समय था सर जबकि हमारे केसेस लगभग 300-400 से बढ़ते हुए 3000 पर डे पहुंचे थे। वहीं इस बार जो इंक्रीज है सर, ये जो 13 मार्च से आगे और 13 अप्रैल के आसपास का चार्ट जो एकदम बढ़ता हुआ दिख रहा है सर, ये सडन इंक्रीज है सर जो इस बार हमें देखने को मिल रहा है और ये अत्यधिक तीव्र है। और यही सिमिलर चार्ट सर भारत का भी आप देखेंगे तो यही इंक्रीज पूरे इंडिया में दृष्टिगत हो रही है। तो निश्चित रूप से ये जो इंक्रीज है काफी चिंताजनक है और इसकी इंक्रीज की जो स्पीड है सर वो बहुत ज्यादा है और इसको हम सभी को कंट्रोल करने की और तुरंत प्रभाव से कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट दृष्टिगत हो रही है सर। नेक्स्ट सर, यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जैसा राजस्थान में जो टोटल आंकड़ा है पिछले एक महीने का यहाँ पे दिखाया गया है जो लगातार बढ़ रहा है और हमारा पर डे के केसेस ओवरऑल पिछले दिनों से 5000 से अधिक, अब 5501, 5700 और 5500 आए हैं और भारत में ये आंकड़ा बढ़ते हुए 1,85,000 का आंकड़ा आ गया है सर पर डे पॉजिटिव का और ये काफी ज्यादा है और ये भी लगातार बढ़ोतरी शो कर रहा है सर कि हम देखें तो पिछले 10 दिनों में ही ये आंकड़ा 1 लाख से लगभग 2 लाख पर डे पेशेंट की संख्या तक पहुंच गया है सर। यदि राजस्थान के क्रिटिकल जिले जो मुख्य बड़े जिले हैं जहां पर संख्या काफी है उनको देखें तो जयपुर में ये लगातार बढ़ोतरी दिख रही है सर, जो 30 मार्च को 74, 1 अप्रैल को 198 और 13 अप्रैल को 989, तो लगभग 5 गुने पेशेंट्स जयपुर में पिछले 10 दिनों में बढ़ गए हैं। पर डे का मैं आंकड़ा देखूं, सिमिलरली उदयपुर में भी 30-31 मार्च को 50 और 100 थे, वो 700-800 करीब चल रहे हैं, अगेन 6 से 7 गुना 8 गुना करीब बढ़ोतरी है और ये स्थिति जोधपुर, कोटा और अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगी सर। नेक्स्ट स्लाइड, सिमिलरली सर डूंगरपुर में भी देखें, डूंगरपुर में सर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो स्प्रेड है वो बॉर्डरिंग एरिया होने के कारण से ये देखा गया है कि काफी ज्यादा रूरल एरिया में है क्योंकि जो लेबर पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं गुजरात महाराष्ट्र से और वो जब लौट के जाना चाहते हैं, अभी होली पे काफी लेबर आई थी सर और जब वो लौट के जाना चाह रही तो वहां जाने के लिए उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया और उनमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखी है, उसके कारण से डूंगरपुर में संख्या आई है सर। सिमिलरली सर भिलवाड़ा में भी देखें सर तो 40 से लगभग 300, अलवर में भी यही संख्या है, अजमेर में भी है सर। ये सभी जिलों में स्थितियां लगभग यही है सर कि पिछले 10 दिनों में या 15 दिनों में पॉजिटिव केसेस की संख्या लगभग 8 से 10 गुना और उससे भी ज्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, बीकानेर, इन सभी में भी यही स्थितियां हैं। नेक्स्ट सर, अन्य राज्यों की नेक्स्ट स्लाइड लें, अन्य राज्यों को देखें सर तो महाराष्ट्र जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक केसेस हैं वर्तमान में, पूरे भारत के जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से 1/3 केसेस महाराष्ट्र के हैं सर। इसमें लगातार इनके लगभग 60,000 के लगभग केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं, पंजाब में भी लगभग 3000 केसेस पर डे आ रहे हैं सर, गुजरात लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है जिसमें लगभग 6 से 7 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं, एमपी में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं सर, ऑफ लेट इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो भी काफी बड़ा है और एमपी में कल लगभग 9000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट किए गए सर। और मीडिया से भी सर लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इन सभी राज्यों में
स्थिति काफी क्रिटिकल है, भले पॉजिटिविटी की स्थिति हो, नंबर ऑफ पेशेंट की स्थिति हो, या जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड की स्थिति हो, सभी जगह स्थितियां काफी विकट बन गई हैं। दिल्ली को देखें सर, दिल्ली में गत समय में जो पीक था सर, लगभग 7 से 8 हजार केसेस पर डे गत पीक में आए थे, और अब दिल्ली में जो केसेस आ रहे हैं सर, लगभग 13 से 14 हजार केसेस डेली आने लगे हैं। हरियाणा में लगभग 4 हजार केसेस, छत्तीसगढ़ सर जैसा सभी को मीडिया के माध्यम से मालूम है, काफी ज्यादा संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं, वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी लोड है, तो लगभग 15 हजार केसेस छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में प्रतिदिन आ रहे हैं। सिमिलरली सर कर्नाटक में भी 10 हजार से के लगभग केसेस प्रतिदिन आने लगे हैं सर। सर ये जो कोविड की स्थिति थी सर, मैं संक्षेप में वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में भी सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य में जो वैक्सीनेशन की स्थिति है, राज्य ने वैक्सीनेशन शुरू से ही काफी अच्छा कार्य किया है, और 1 करोड़ से अधिक डोजेस लगाने वाला राज्य पूरे भारत में सेकेंड राज्य बन गया है सर। हमने कल ये संख्या पार कर ली थी, 1,80,000 डोज दे दी गई है, जिसमें से 88,86,000 लोगों को प्रथम डोज और 11 लाख लोगों को सेकेंड डोज भी दे दी गई है। अन्य राज्यों को देखें सर, तो उसके मुकाबले राजस्थान ने निश्चित रूप से काफी अच्छा कार्य इस क्षेत्र में किया है, और कैपेसिटी भी काफी अच्छी जनरेट करी है, और जैसे जैसे राज्य को वैक्सीन की डोज मिलती जा रही है सर, राज्य उसको लगातार उपयोग में कर रहा है, और इसके लिए भारत सरकार से भी निवेदन किया गया है सर। राज्य का सर आपके निर्देशन में ये नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, ये भी प्रयास रहा है सर कि जो हमारी टीकाकरण है सर, वो टारगेट ग्रुप भारत सरकार ने दिया है 45 से 59 वर्ष के, और 60% से अधिक, 60 की एज से ज्यादा के लोगों का, तो उसमें सर हमने 2 तरीके से इसका एनालिसिस किया है, जो स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारी जितनी संख्या होनी चाहिए, और जो इलेक्टोरल रोल है सर उसके अगेंस्ट में एनालिसिस किया है, तो ये जिलेवार स्थिति है, और ओवरऑल मैं देखूं, नेक्स्ट स्लाइड, तो राज्य में, मैं पीछे लूं, राज्य में 45 से 59 वर्ष की आयु के लगभग स्टेटिस्टिकल विभाग के जो आंकड़े उसके आधार पे 39% लोगों ने वैक्सीनेट कराया, जबकि इलेक्टोरल रोल के आधार पे लगभग 28% लोगों ने वैक्सीनेट करा लिया है। हालांकि भारत सरकार सर इसमें स्टेटिस्टिकल जो आंकड़े हैं सांख्यिकी विभाग के, उनके आधार पर कैलकुलेशन करती है, बट हमने क्योंकि इलेक्टोरल रोल एक लाइव डॉक्यूमेंट है, रेगुलर अपडेट भी होता है, उसमें एज भी मेंशन होती है, तो हम उसके आधार पर लगातार जिला लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लगभग 28% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है 45 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में, नेक्स्ट, और 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को हम देखें, नेक्स्ट लीजिए, तो पूरे राज्य में 54% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जो स्टेटिस्टिकल आंकड़े यूज किए गए उसके आधार पर लगभग 80% 60+ के लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है, नेक्स्ट सर। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हम हमारी जो वैक्सीन है उसका पूर्ण उपयोग करें, और उसके लिए ये जरूरी है कि हम जो हमारी वैक्सीनेशन साइट है उसके ऊपर पर सेशन साइट पर डे जो पेशेंट वैक्सीनेशन लिए आ रहे हैं उनकी संख्या को हम अधिक रखें, और जैसा भारत सरकार ने भी लगातार कहा है कि ये 100 होने चाहिए, तो राज्य ने इसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और हमारा जो एवरेज है वो 92% पर सेशन साइट पर डे का है, जो काफी अच्छा है। कई जिलों में जैसे बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर ने तो इसमें काफी अच्छा किया, और पर सेशन साइट 130-140 करीब भी किए हैं, बट फिर भी ओवरऑल एवरेज हमारा 92 है, वो काफी अच्छा रहा है सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर। धन्यवाद। ये श्री वैभव गालिया जी ने आपके समक्ष राजस्थान के एक सामान्य और जिलों की भी स्थिति का वर्णन किया, और कुछ तुलनात्मक फिगर्स भी आपके सामने पेश किए कि पड़ोस के प्रांतों में क्या हो रहा है। अब मैं हेल्थ एक्सपर्ट्स के रूप में जो हमने अच्छा ये जा रहे क्योंकि हमारे कुछ साथी जाना चाहते हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब उपनेता, और सतीश पूनिया जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, तो पहले मैं इनको बुलवाऊंगा कि उनको जाना है जल्दी, तो पहले राजेंद्र राठौड़ साहब बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है।
मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने सेकंड वेव कोरोना की भयावहता को समझते हुए समय से पहले सब लोगों को लूप में लेकर और इसका एक्शन प्लान बनाना प्रारंभ किया। अभी मैं सुन रहा था, निश्चित तौर पर पॉजिटिव रेट 8% से बढ़ जाना, एक सप्ताह में 32,000 ज्यादा एक्टिव केस आ जाना और एक्टिव केस का प्रतिशत भी 10 पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाना और रोज की मृत्यु भी 28% से ज्यादा हो जाना चिंताजनक बात है। मुख्यमंत्री जी, पिछले बार जो फर्स्ट वेव था उसमें सब लोगों ने मिलकर अच्छा काम लिया किया, तो इस बार भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस पूरी वैश्विक महामारी में हम और हमारे पूरे साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे। पिछली बार जो छोटी मोटी बातें रहेगी उनसे भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, पर मेरा एक निवेदन है, इस बार हाल फिलहाल जो लोग टेलीफोन करके रेमडेसिविर और टेस्टली मुझे इंजेक्शन की कमियों के बारे में बात करते हैं और इसके लिए कम से कम पैनिक क्रिएट नहीं हो। एक जो वैक्सीनेशन का अभी पोर्टल पर अगर अपने सारे डेटाज को डाल दें, लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि 60 वर्ष से ज्यादा लोगों में भी अभी 54% वैक्सीनेट हुए हैं, आज वैक्सीनेशन में सेंटर पर हमारे पास कितना वैक्सीन उपलब्ध है, तो ये पैनिक जब होता है कई बार देखते हैं लोग दौड़ के जाना चालू कर देते हैं कि वैक्सीन खत्म हो रहा है। मैं समझता हूँ इस पर भी बात करनी चाहिए। और एक अभी से पिछली बार जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, मुझे माफ करेंगे किसका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं भी इस विभाग का मंत्री रह चुका हूं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। पिछली बार आप लोगों के बार बार सर्कुलर निकालने के पश्चात भी उन्होंने उसी तरह लूट खसोट जारी रखी। मैं सबके लिए नहीं कहूंगा पर काफी लोग उसमें संलिप्त रहे, भगवान नहीं करे हमें उनकी सेवाओं की जरूरत पड़े, पर इस बार उनको पहले से लूप में लेने तो ज्यादा अच्छा रहे। और एक जो अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ नो टेस्ट नो एंट्री चाहे जो भी हो, अब इस पे थोड़ा सख्ती किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगी। और एक जो ये मेडिसिन के लिए इंजेक्शन के लिए मैंने पहले कहा, ड्रग विभाग इसमें अपना एक एक्शन प्लान बना ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। और एक डेली आउटडोर इंडोर में पेशेंट जो हमारे हैं इनमें वो भी कोविड सेंटर पर हैं तो ठीक रहेगी। ये तो एक लापरवाही, मैं समझता हूँ अगर मुझे खुद भी कोई कहे फर्स्ट वेव में जो चिंता मैं मेरे लिए करता था, मेरे समर्थकों के लिए, मेरे परिवार के लिए, वो मेरे जहन में भी नहीं आ रही अभी तक, तो इसके लिए कम से कम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ इस प्रकार के एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। चाहे आप सख्ती से कह दें नो मास्क नो मूवमेंट या कोई दो चार इस तरह के पब्लिक अवेयरनेस के अपने को स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। और विशेष तौर पर जब बारा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर और इनकी पॉजिटिविटी रेट देखते हैं तो डर लगता है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अभी से ऑक्सीजन की उपलब्धता से लेकर वेंटिलेटर, अब ये करने से काम चलेगा नहीं, किसने खराब भेजे उसने खराब भेजे। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इस वक्त पिछली बार हो सकता है केंद्र सरकार ने अपनी हमारी मदद की, कुछ कटुता रही, कुछ बयानबाजी रही हमारे बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री जी की, इस बार नहीं हो तो ठीक है। तो कल भी मैं देख रहा था कि वैक्सीनेशन के लेके इस तरह के बयान जारी हुए, हम भी करेंगे, अपने आप को नियंत्रित करेंगे, आप भी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और इस वैश्विक महामारी में पूरा दल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सारी दल की तरफ से बात कहेंगे, परंतु मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं। परंतु आज 5528 केस आए हैं और एक्टिव केस 40,000 पार कर रहे हैं, आज भी जनमानस में इसकी वो जो भयावहता है वो पैट नहीं कर पाई है। आज भी लोग इससे इतने डरे हुए नहीं है, हम डराना भी नहीं चाहते, पर एक तरह IEC के माध्यम से उन्हें एजुकेट करें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी पहल की, धन्यवाद भी देना चाहूंगा, हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जगदीश पुनिया जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि दूसरे संक्रमण की चेतावनी से पहले और इस VC के माध्यम से राजनीतिक दलों के लोग और हमारे धार्मिक नेता NGO के लोग जुड़ेंगे। वैसे तो जो प्रारंभिक प्रस्तावना में जो वैभव गलारिया जी ने जो भूमिका रखी है और उसको राजेंद्र राठौड़ जी ने आगे बढ़ाया, तो उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि संक्रमण बढ़ रहा है भयावह तरीके से।
दूसरी जो बात थी कि ये भी हम फर्क महसूस करते हैं कि पहले जितनी चेतना थी, जो एक अवेयरनेस थी, वो अब थोड़ी सी लापरवाही के रूप में हम सबके बीच में दिखती है। हम राजनीति के लोग कुछ परिस्थितिवश मजबूर जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से भी लोगों की सबके साथ लेके और एक चेतना की जरूरत अब ज्यादा महसूस होती है। कोरोना के साथ साथ जो नॉन कोरोना पेशेंट हैं, ये पिछली बार भी इसके कारण बड़ा पैनिक हुआ था और लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। अब आपने दो दो योजनाएं लागू कर दी, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुझे लगता है कि इसको प्रभावी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने यहाँ ठीक तरीके से पेशेंट्स को रिसीव करें और ट्रीट करें, तो मुझे लगता है कि एक जो पैनिक है उस पर हम काफी तरीके से काबू पा सकेंगे, क्योंकि पिछला जो पास था उसमें कोरोना पेशेंट्स पे ध्यान था, लेकिन नॉन कोरोना पेशेंट्स को भी काफी तकलीफ हुई थी जो हमारे संज्ञान में बाद में आई। कुछ जो कमियां बताई गई हैं, मुझे लगता है कि मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा भ्रम भी है, थोड़ी क्लैरिटी रखनी भी जरूरत है और टाइमली उनका अरेंजमेंट भी जरूरी है। जैसे रेमडेसिविर का अभी किसी पेशेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में फोन किया, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में भी और इसकी कमी की चर्चा भी है। संजय को बात करके सुमित्रा जुड़ी हुई है, मुझे लगता है कि ये इस तरीके की जो कमी खामी दिखती है। दूसरा, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि इसमें की रोल उन्हीं का रहेगा, फिर से उनका मनोबल कैसे बढ़े और उनको मोटिवेट कैसे करें कि वो पेशेंट्स की ठीक तरीके से देखभाल करें, आधा काम उसी से ही होगा। तो मोटे तौर पर मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि राजेंद्र जी ने काफी सारगर्भित तरीके से टू दी पॉइंट सारी बात रखी है। हम सब लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा दल, पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई में सामाजिक कार्यकर्ता की तरह, पहले की तरह भूमिका निभाएं। उसमें जैसा भी सहयोग सरकार को चाहिएगा, हम निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पुनिया जी आपका भी। डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, राठौड़ साहब, पुनिया साहब, डॉक्टर रघु शर्मा जी, तमाम अधिकारीगण, माननीय गर्ग साहब, कल भी काफी चर्चा हुई थी इस संबंध में और आज भी सभी लोगों को जोड़ करके चर्चा की जा रही है, सबके सुझाव आ रहे हैं। एक बात तो बहुत साफ और स्पष्ट हो चुकी है कि ये कोरोना की दूसरी वेव जो खतरनाक है, इसके लिए हमको और कठोरता के साथ में सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी है और लोगों को संक्रमित होने से बचाना है। जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, मैं केवल उस पर अपनी बात रखूंगा, बाकी बातें कल हो चुकी थी। तो दसवीं और बारहवीं की CBSE ने, अभी शायद प्रधानमंत्री जी ने बारहवीं की परीक्षा को स्थगित किया है और दसवीं की परीक्षा को कैंसिल किया है। मेरा सुझाव है कि दसवीं और बारहवीं की एग्जाम्स को अपन स्थगित करें और आठवीं की जो बोर्ड की परीक्षा हम करवा रहे हैं उसको हम कैंसिल करें। तो आठवीं को तो वैसे ही प्रमोट करने का निर्णय लिया जा सकता है और दसवीं और बारहवीं को, चूंकि बारहवीं तो एक तरीके से अनिवार्य ही होगी, चाहे लेट होगा, क्योंकि JEE और नीट के लिए होता है, तो हो सकता है अगर बारहवीं का वातावरण बने तो दसवीं का भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए भी हमें एक चांस लेना चाहिए स्थगित करके। अभी से कैंसिल नहीं करके हम एक चांस लें कि अगर 10-15 दिन में स्थितियां ठीक होती हैं तो फिर दोनों एग्जाम्स एक साथ, एक पारी में एक, एक में एक, या जैसे भी करा करू के हो सकती है। बाकी विद्यालयों को भी अब चूंकि बंद करने में ही फायदा है, सभी जगह आ रहे हैं और पढ़ाई भी तकरीबन पूरी हो गई, एग्जाम्स की तैयारी बच्चे घर पे ही बैठ के कर लेंगे। टीचर्स के लिए एक प्लान बना करके किस प्रकार से इस राष्ट्रीय आपदा में हम लोग कैसे उनका सदुपयोग कर सकते हैं, तो उनको उस हिसाब से, और महिलाओं को और जो छोटे बच्चे जिनके हैं इनको हम कैसे छूट दे सकते हैं, पहले भी हमने गाइडलाइन दी थी, तो एक साथ उस तरीके से उनके लिए भी हम अलग से इस गाइडलाइन में दे करके उनको भी थोड़ा सा पैनिक कम किया जा सकता है। क्योंकि जब कोरोना होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर लोग इधर से उधर आते हैं और लोग दूर दूर, महिलाएं बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़ में रहती हैं, तो मैं समझता हूं इसका एक विभाग भी प्लान तैयार करके आपके समक्ष रखेगा और हम लोग वहां के लोकल लोगों को, जो सक्षम है, पुरुष हैं और जिनके कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को केवल अपनी इस
आपदा में ड्यूटी लगा के काम ले, बाकी लोगों को हम फ्री करेंगे। तो मैं समझता हूं, या इसका यह भी किया जा सकता है कि जो लोकल जहां का रहने वाला है वहां पर उसका उपयोग ले लिया जाए, तो वहां पर सभी से विभाग कलेक्ट कर लेगा ड्यूटी और फिर उसको जहां जिस जिले के गृह जिले के रहने वाले हैं वहां अगर आवश्यकता होगी तो उनकी ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की ली जा सकती है। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमको और सख्ताई के साथ में जो अवेयरनेस कार्यक्रम है वो हमको, चाहे सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम ज्यादा से ज्यादा करें। और जैसे पहले हम लोगों ने मास्क बांटे थे या जो प्रचार प्रसार किया था हमने पंपलेट बांटे थे, उस तरीके का अभियान एक तरीके से और हम लोग चलाएं तो इससे लोग जागरूक होंगे। और एड भी जो सरकार देना चाहे तो उसमें इस तरीके से थोड़ा सा गंभीरता के साथ में ज्यादा हो कि भाई ये आप साधारण नहीं समझें कि कोरोना कुछ नहीं है, जो दूसरी वेव आ रही है वो बड़ी खतरनाक है, इसलिए इससे जो अन्य राज्यों की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। तो हम उसमें, ये सुखद बात ये की है कि राजस्थान में जो व्यवस्थाएं पिछले 12 महीने से हो रही हैं और जो जागरूकता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से फैलाई जा रही, उससे हम और अन्य जो स्टेट्स हैं उनसे बेहतर पोजीशन में है। तो मैं समझता हूं कि ये जो जागरूकता है और हमारे प्रयास हैं वो करने चाहिए। और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इसको संवेदनशीलता के साथ में आप ले रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं तो निश्चित रूप से टकराव होता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्यशैली है, मैं समझता हूं, और आप के अंदर जो जिस विषय को लेकर के गंभीरता रहती है उसका परिणाम हम सबको मिल रहा है। और पूरा स्टेट में सभी दलों के लोग, राठौड़ साहब को भी हमने सुना, पुनिया साहब को भी सुना, बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और सबको साथ लेकर के सबके साथ देने की बात कही है। तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और हम लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएंगे और इस कठिन दौर से हम लोग निकल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अब मैं पहले चाहूंगा फिर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात करें। मैं चाहूंगा कि बजाय इसके हमारे अन्य साथी बोले, पहले डॉक्टर साहबाने बैठे हुए दो तीन एक्सपर्ट, उनकी बात हम सब सुन लें, उसके बाद में फिर आप लोग अपने विचार प्रकट करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर स्थिति गंभीर है और समय बहुत ही भयानक। अभी जैसे वैभव जी ने बताया कि पूरे मार्च में 31 डेथ हुई और अपने एक दिन में 28, तो यानी एक महीने की डेथ एक ही दिन में, और पिछले 12-15 दिन से रोजाना ही रिकॉर्ड बन रहा है। 20 दिन पहले जो स्थिति थी उस समय राजस्थान के अंदर 400 पेशेंट आ रहे थे और 20 दिन के अंदर 4000 हो गए, नहीं अभी तो 6000 हो गए 20 दिन में, तो यानी 15 गुना ज्यादा। यदि अगले 20 दिन में यही रफ्तार हुई, भगवान करे ऐसा हो नहीं, तो करीब 1,00,000 के करीब पेशेंट तो राजस्थान में ही आ जाएंगे। हो सकता है अपनी टेस्टिंग की जो कैपेसिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरी जो बात है वो दो बड़ी भ्रांति है। एक भ्रांति ये है कि यंगर को कुछ नहीं होता। अभी साहब हमारे राजस्थान हॉस्पिटल में कल ही मैंने देखा एक पेशेंट जो 25 साल का लड़का है, जवान लड़का जिसे कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, उसके लंग्स इतने ज्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज हैं कि वो इस समय 60 लीटर ऑक्सीजन पे है। 60 लीटर का मतलब अपन अंदाज लगाएं कि एक बड़ा सिलेंडर जो 24 घंटे चलता है, एक बड़ा सिलेंडर उस बच्चे के लिए हर 2 घंटे में जरूरत है। तो ये स्थिति एक जवान लड़के की है, तो ये भ्रांति है कि बुजुर्गों को ही होता है, बच्चों को नहीं होता। दूसरी भ्रांति ये है कि गांवों में तो कुछ ही नहीं होता साहब, गांव में मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं, ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि अपने ही डेटा जो कल बता रहे थे तो उसके अंदर ये था कि 30% इन्फेक्शन एंड 30% मृत्यु ग्रामीण अंचलों से हो रही है, तो ये भी एक बड़ी बात है। अब सवाल उठता है कि अपन इसमें करें क्या। करने का एक तो अस्पतालों के अंदर है जो कि व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, लेकिन कब तक ये समय बताएगा। दूसरी है वो जनता के लेवल पे,
जनता से जैसे आज जुड़े हुए लोग हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि सेकंड वेव को कोई रोक सकता है तो वो अपन सब मिलकर रोक सकते हैं। कैसे? सिर्फ दो कदम आपके, दो कदम। पहला कदम है कि हम कोरोना बिहेवियर यानी कोरोना स्टाइल अडॉप्ट करें। कोरोना स्टाइल के अंदर पहली चीज है कि हम मास्क फिटिंग का पहने, और मास्क में ये, यदि मैंने मास्क पहना तो 50% चांस है कि मेरे को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसने मास्क पहन लिया तो 95% चांस है कि इन्फेक्शन दोनों में एक दूसरे से नहीं होगा। तो हमें टोकना आना चाहिए, भाई मास्क पहनो, जिससे भी बात करो मास्क पहनो। ये दूसरी चीज, हम हैंड हाइजीन के लिए हाथ धोने की आदत काफी अच्छी आ गई। तीसरी बात, तीसरा इसी का जो है वो है कि सोशल डिस्टेंस, दो गज की दूरी है मजबूरी। चौथी चीज जो इसके अंदर है कि घर से बाहर नहीं निकलें, घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलें, घर से बाहर तभी निकलें जब कोई मजबूरी हो। एक तरह से हम कहें कि ये हम घर का कर्फ्यू खुद इम्प्लीमेंट करें। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है इंग्लैंड का, इंग्लैंड राजस्थान जैसा ही है, वहां की पॉपुलेशन 7 करोड़ है, राजस्थान भी 7 करोड़ है, और वहां पर जनवरी के अंदर 68,000 नए केस आ रहे थे और मृत्यु करीब 1800 की हो रही थी। तब वहां वर्ल्ड का स्ट्रिक्टेस्ट उन्होंने लॉकडाउन किया, जिसके अंदर की एक जो सामाजिक पहलू है, घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति अंदर कमरों में नहीं जाएगा, कोई बाहर आपसे मिलने भी आया है तो बाहर लॉन में या सड़क के किनारे खड़े होकर मास्क लगाकर बात करे ये। और यदि मान लिया कि वो अंदर जाता है तो पड़ोसी फोन करके बता देते थे और वो फाइन लगता था। तो हो सकता है कि हमें भी अपने घर का कर्फ्यू, घर में कर्फ्यू खुद को अपना निर्णय लेकर करना पड़े, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। और इसके अंदर एक जो चीज है कि देखिए, कोरोना हो गया उसके बाद तो इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन कोरोना होने वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत आसान है कोरोना नहीं होना, लेकिन बहुत कठिन है इसका इलाज करना। तो नहीं होने में सिंपल सी सावधानी से हम अपने को और अपनों को बचा सकते हैं और सुखद जीवन जी सकते हैं। प्रोबेबली ये कदम यदि हम उठा लें, सिर्फ 15 दिन के लिए भी उठा लें, तो कम से कम इस सेकेंड वेव पर ब्रेक लगा सकते हैं, अदरवाइज ये भयानक स्थिति हो सकती है। क्योंकि पहली वेव में डर ज्यादा था, खतरा कम था, लेकिन इस समय खतरा भयानक है लेकिन डर बिल्कुल गायब हो गया। तो इसको हमें कम से कम लॉजिकल डर तो लाना पड़ेगा, जिससे कि हम सजग रह सके और हम हमारी स्टेप्स ले सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरे पास जो खबर आई है कि जो यूएसए के अंदर मैरीलैंड की फेमस यूनिवर्सिटी, उसमें एमडी सीयूसीएच के चीफ ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस मिस्टर फैन योनस ने बताया कि पहले एवरेज जो है 70 ईयर्स के लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, 70 साल के लोग हो रहे थे एडमिट। अब जो है जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है कि जो यंग लड़के आ रहे हैं वहाँ पे भी 40 साल के आसपास के लोग ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर भी। और फिर उनका ये वैक्सीन लगानी चाहिए युवाओं को, ये इस प्रकार से। दूसरा, हमारे जो दिल्ली में एम्स जो है, एम्स और गंगाराम हॉस्पिटल बड़ा फेमस है, वहाँ पे करीब 72 डॉक्टरों को ही हो गया है, संक्रमित हो गए लोग, जरूर की खबरें टीवी में आती भी रहती है। तो ये जो स्थिति बनी हुई, उसमें वास्तव में जो आप कह रहे हो बिल्कुल, इसको हमें ध्यान रखकर ही फैसले करने पड़ेंगे। और गाँव की बात आपने कही बिल्कुल ठीक है कि पिछले काफ़ी दिन से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें पहले था गांव में तो गई नहीं है, कोरोना की बात चल रही थी, अब वो बात नहीं है। करीब 30% डेथ भी और संक्रमित भी गांव के लोग हो रहे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार, और सभी गुरुजन जो बैठे हैं उनको भी नमस्कार। सर, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि हम कोविड पेंडेमिक की फर्स्ट वेव के अंतिम पड़ाव में थे, बट सडनली सेकेंड वेव के सर्ज आने से एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। सर, एक साइंटिफिक जर्नल ने ये बताया है कि हमारे देश में
सेकेंड वेव में सोशल शिथिलता ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बनिस्पत की नए वायरस स्ट्रेन के कारण, जो हमारा भय और सोशल प्रोटोकॉल हमने त्याग दिए हैं उसके कारण इस वेव को फैलने के लिए ज्यादा कारण पाया गया है। इतना ही नहीं सर, ऐसा पाया गया है कि जो कोविड के पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक है और उसने अगर मास्किंग नहीं किया है तो एक कोविड का पेशेंट सोसाइटी में 90 से 120 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका और यूरोप में एक पेशेंट ओनली 10 से 12 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अतः अगर आपने थोड़ी भी शिथिलता बरती, और चूंकि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनको लक्षण नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि उनको कोविड है, और अगर उन्होंने ये गलती कर दी तो वो अपने अराउंड 100 से 120 लोगों को इफेक्ट कर पाएंगे। मैं सभी गुरुजनों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। साउथ कोरिया के अंदर मार्च 2020 में जब सबसे पहला पेशेंट आया था वो एक चर्च के पादरी में आया था, उनको पता नहीं था, और नॉर्मल उन्होंने जो रिलीजियस एक्टिविटी की उस एक व्यक्ति के द्वारा पता नहीं होने के कारण 15 दिन के अंदर 5000 लोग इफेक्ट हो गए। तो ये एक बहुत, बिकॉज प्रार्थना स्तर पे हम लोग एक दूसरे से सट के खड़े होते हैं, एक दूसरे के पास खड़े होते हैं, तो वहां पे कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना हमारे लिए थोड़ा चैलेंज होता है, अतः हमें इसकी पालना करना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने बताया, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कल 13 अप्रैल को जहां इंग्लैंड में प्रतिदिन 50 से 60 हजार केसेस आते थे और कम से कम 2 से 2500 डेथ्स होती थी, कल 13 अप्रैल को पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 2400 केसेस आए और 13 डेथ्स हुई हैं। सिंगापुर में कल सिर्फ 14 केसेस आए और 0 डेथ्स हुई है। इजराइल के अंदर कल सिर्फ 7 केसेस आए और 0 डेथ हुई है, क्योंकि वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना काफी इफेक्टिवली उन्होंने की है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा ऑलरेडी कहा गया है कि हमें इस बिहेवियर को, हमारी 70% जनता जिस भाग में स्टेट में रहती है गांव में अधिक पालना करती है। मैं आप सब लोगों की और आमजन की लोगों में कुछ फैक्ट्स नोटिस में लाना चाहूंगा, जिससे हमारा ये मॉरल कर्तव्य हो जाएगा कि ऐसी क्या बात है इस वेव के अंदर जो पहले नहीं हुआ। फर्क इतना ही है सर कि पहली वेव धीरे धीरे बढ़ रही थी, ये वेव बहुत एग्रेसिव बढ़ रही है। इसमें पूरे परिवार के लोग एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में परिवार का मुखिया एक दिन आता है, दूसरे दिन उसकी पत्नी और बच्चे आते हैं, तीसरे दिन पेरेंट्स आते हैं, अतः पूरे परिवार के परिवार इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। जैसा ऑलरेडी बताया जा चुका है, यंग पॉपुलेशन जो 20 से 40 साल की पॉपुलेशन है, जो अपने आप को ज्यादा स्वस्थ समझती है, जो इस मौका में काफी सोशल मूवमेंट करते हैं, उनमें भी ये सेकेंड वेव में कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक पाए जा रहे हैं। तीसरा, एक और इसमें देखने की बात यह है कि जिन पेशेंट्स को कोविड हो रहा है उनमें बहुत जल्दी डिटोरिएशन हो रहा है और बहुत जल्दी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है। अतः मैं आमजन लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी, जुकाम, बुखार या सांस भरने के लक्षण हो तो डिले नहीं करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर का ज्ञान आप सभी लोगों को है, वो एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें, अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल 90 तक चला जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको लक्षण है और ऑक्सीजन लेवल 97, 98 या 95 से ज्यादा भी है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे, आप 6 मिनट तक चल के देखें। अगर ऑक्सीजन लेवल चलने फिरने से फॉल होता है तो भी डॉक्टर से संपर्क करें। कंक्लूजन यह है कि कोई भी लक्षण होने से डॉक्टरी सलाह जरूर ले ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, बिकॉज इस सेकेंड वेव में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक और एग्रेसिव हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट देखने को मिला है कि ये बच्चों में भी अधिक पाया जाने लगा है, अतः कुछ स्कूल और कॉलेज के बच्चे जिनमें भय थोड़ा कम होता है उनका मूवमेंट आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों को मालूम है कि इस बीमारी का टेस्ट RT-PCR के द्वारा होता है, गले या थ्रोट में से सैंपल लेके। इस टेस्ट की पॉजिटिविटी 70% मानी गई है, अतः कुछ लोगों में जो हमारे यहाँ एडमिटेड है उनका जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगा कि उनको खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण थे, लेकिन जैसे ही RT-PCR नेगेटिव आया वो थोड़े अपने बिहेवियर में शिथिल हो गए। मेरा आपसे निवेदन है,
कि अगर आपको कोई खांसी जुखाम बुखार के लक्षण हैं, अगर आपको भय है कि कहीं प्रार्थना स्थल पे या कहीं पब्लिक जगह आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हैं, आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव भी है, तो डॉक्टर से संपर्क करके उनकी सलाह पर आप सीटी स्कैन जरूर कराएं। हमारे 30% पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं उनमें ये टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन 20-80% तक लंग डैमेज हो चुके हैं, वो सीटी स्कैन में पता लगा। अतः लक्षणों की शिथिलता नहीं बढ़ते और डॉक्टर से आप जरूर सलाह लें। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं जर्मनी का देना चाहूंगा। जर्मनी के अंदर पहली वेव पिछले साल मार्च और अप्रैल में आई थी, जब संसाधन बहुत कम थे, डॉक्टर्स लोग तैयार नहीं थे, दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। उस समय वहां पे कुल जर्मनी के अंदर 10,000 डेथ्स हुई थी, लेकिन इस सेकेंड वेव के अंदर वहां हॉस्पिटल्स बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए, लेकिन लोगों के द्वारा अनुपालना नहीं होने के कारण, प्रार्थना स्तर और इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट में अनुपालना नहीं होने के कारण, संसाधन बढ़ने के बावजूद भी वहां पे डबल 20,000 डेथ्स हुई है। अतः केसेस को कम करने का, केसेस के नंबर को कम करने की भागीदारी आप सभी लोगों पे और पब्लिक एट लार्ज भी है। हमारे प्रदेश में बहुत ही उत्तम ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अत्याधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट के द्वारा हर पॉसिबल फैसिलिटी अप्लाई उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ये सब कोविड होने के बाद ही काम आती है, हम सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं। नंबर की कमी करना ये सब आप लोगों के लिए आप लोगों के हाथ में है, ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बट हमारी सुविधाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी दवाइयों की उपलब्धि, हमारा प्रोटोकॉल इतना सुदृढ़ है कि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रबंध किए गए हैं वो आउटस्टैंडिंग है और वो बेस्ट इन द कंट्री है। मेडिकल फैसिलिटी तो सिर्फ मरीजों को ट्रीट कर सकता है, बढ़ते नंबर पर डॉक्टर्स का कंट्रोल नहीं होता और आपके सहयोग के बिना इस मंट्रोल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अतः सभी धर्म गौरवों और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग स्वयं अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और आप गुरुजनों का कहा हुआ पब्लिकली बहुत रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है, अतः आप लोग भी वैक्सीनेट करवाएं। गुरुजन अपने सारे जो फॉलोअर्स है उनको वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित करें और उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए प्रेरित करें, और उनके द्वारा अगर प्रोटोकॉल प्रेरित फॉलो हुआ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन भी कम होगा। जैसे मास्किंग के बारे में बात की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है लक्षण होने पे जल्दी डायग्नोसिस कराएं, अपने आप को डिले नहीं करें। नेगेटिव आरटीपीसीआर को आप फुल प्रूफ नहीं माने, बट सीटी स्कैन के द्वारा, ऑक्सीजन लेवल के द्वारा डॉक्टर से संपर्क करें। मैं एक छोटा सा चित्र जो कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने आपने बताया, मैं चित्र के रूप में आपको इम्प्रेस अपॉन करना चाहूंगा, क्या वो प्ले कर सकते हैं? कि आप देखिए कि ऊपर वाले चित्र में किसी व्यक्ति को कोविड है जो एसिम्प्टोमेटिक है, सबसे ऊपर वाले चित्र में वो बातचीत करने में भी इतने कीटाणु हवा में छोड़ रहा है, और अगर सामने वाला भी बिना मास्क के है तो 90% चांसेस है कि उसको कोविड इन्फेक्शन होगा। दूसरे चित्र में देखिए कि किसी व्यक्ति को कोविड के लक्षण है, एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर है, बट अगर सामने वाले ने मास्क लगा रखा है तो उसको 30% रिस्क है, 60% वो रिस्क कवर हो गई। अगर आप देखिए कि जिस पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है वो कीटाणु हवा में छोड़ रहा है, और अगर उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मास्क लगा रखा है तो रिस्क सिर्फ 5% रह जाती है। और अगर आप सबसे नीचे वाले चित्र को देखें, अगर पेशेंट ने भी मास्क लगा रखा है, दूसरे व्यक्ति ने भी मास्क लगा रखा है, और अगर आपकी डिस्टेंस पूरा 6 फीट की है तो आपका ये इस रिस्क 0 हो जाता है। तो मैं इतना ही अंत पे कह के अपने बात खत्म करूंगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सुविधाएं, हमारी दवाइयों की उपलब्धता इतनी सुदृढ़ है कि आपको किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बट नंबर कम करना, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये मेरे ख्याल से आप सब धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से ही पॉसिबल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर अजय बाबू, नमस्कार सर। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के अन्य नेतागण, विधायकगण और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारी, धर्मगुरु साहब, एनजीओ कर्मी और आमजन,
कि ये मीटिंग ओपन है, इसलिए सारे नागरिक को आप सभी को बहुत बहुत अंदरा है और उनको कहा एडमिट हो जाओ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा, वो मतलब अक्खड़ बोल रहे हैं है वही वो डे के अंदर आप रिक्वेस्ट कर दो, तुम रिक्वेस्ट कर दो फोन करके। हाँ जी बोलिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और मुझसे पहले जो कई प्रवक्ता हैं जो बता चुके हैं कि कोविड-19 महामारी का दूसरा चरण बहुत भयंकर रूप में लगभग पूरे देश में आ चुका है और प्रदेश में भी इस महामारी के खतरनाक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इतिहास के अध्ययन से ये पता चलता है जब कभी कोई महामारी आई है तो महामारी के पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में तबाही ज्यादा होती है और इसका ताजा उदाहरण अभी भी देखने को मिला है वेस्टर्न कंट्रीज में कि पहली वेव के से कंपैरिजन में सेकेंड वेव के अंदर ज्यादा मृत्यु हुई है, ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। यही हमारे देश में देखने को मिला है। इसमें पहले चरण 2020 की तुलना में 2021 में पूरे देश में कई गुना अधिक मामले हमारे सामने आए हैं और ये एक विषय है जो चौंका देने वाला तथ्य है और बड़ा ही चिंताजनक विषय है कि कोविड-19 महामारी के 2020 में 8-10 महीनों में जितने मरीज आए हैं उतने मरीज 2021 में मात्र 2 महीने में आ गए हैं और अभी इस महामारी के दूसरे चरण का पीक आना तो अभी बाकी है। मैं यहाँ एक स्टडी कोट करना चाहता हूँ IIT खड़गपुर की, जिसने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया था जिसमें उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि मार्च के महीने में केसेस, मार्च के बाद में अप्रैल में केसेस बढ़ने बहुत स्टीप चालू होंगे, सडनली नंबर इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज है जो मई के महीने के पहले वीक तक काफी स्टीप रहेगा और बहुत ही इन्फेक्शियस रहेगा और ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा और इसमें मृत्यु दर भी ज्यादा होगी और देश की और प्रदेश की स्थिति बहुत भयंकर होगी और ये सत्य भी है जो अब हमें देख रहे हैं। उसके कारण उन्होंने बताए हैं कि कोविड डिसिप्लिन की और एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करना ये एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है वायरस का म्यूटेशन होना और तीसरा है स्लो वैक्सीनेशन। मैं यहाँ आपको ये लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण हैं जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, उन्होंने ये बताया है कि आज जो आप सिनेरियो देख रहे हैं कि भारत में कितने केसेस हैं और प्रदेश में कितने केसेस हैं वो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस हैं उसका आप 20 से 30 गुना कर दें तो आपको सही नंबर का पता चलेगा। इसलिए ये साफ है, जैसे कि ओपिनियन एक्सपर्ट्स की है, उन्होंने बताया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने कि आप अगर सर्वेलेंस, सीरो सर्वेलेंस ICMR का अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि जो पॉजिटिव केसेज हैं उससे कम से कम 20 से 30 गुना केसेज जो समाज में घूम रहे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, तो ये साफ इंडिकेट करता है कि स्थिति भयावह है और बहुत खतरनाक है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और आज भी कहना चाहूँगा कि जो महामारियों की लड़ाई खाली अस्पताल में नहीं होती है बल्कि सामाजिक स्तर पर और ग्राउंड लेवल पर लड़ी जाती है। ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है, एक कमेटी है CMAO जो कि फेडरेशन है साउथ ईस्ट एशिया की और ओसानिया की, जो कि बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, इसमें जापान के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में पेंडेमिक्स आर बीइंग फॉट ऑन ग्राउंड लेवल नॉट इन द हॉस्पिटल्स। और उनका कहने का मतलब है कि महामारी के दौरान केवल मेडिकल इंतजाम करना ही काफी नहीं है, इसके लिए जमीनी स्तर पर लोगों का जागरूक और जिम्मेदार होना बहुत आवश्यक है। जब तक लोग महामारी के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नहीं होंगे, बचाव के नियमों की पालना नहीं करेंगे, तब तक पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी, धीरे धीरे ये महामारी का विकराल और भयंकर रूप ले लेगी कि भगवान न करे कि स्थिति को संभाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डॉक्टर भंडारी ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने
सारा प्रेजेंटेशन डिटेल में दिया। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और भी कर रही है। टेस्टिंग कैपेसिटी 0 से 70,000 तक ली गई है। बेड और आईसीयू वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाकर आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर और डॉक्टर नर्सेस पैरामेडिकल का इंतजाम किया है और कर रही है। दवाइयां और इंजेक्शन देकर अपना कार्य बखूबी निभाया है। यदि अगर जनता के स्तर पर लापरवाही यूं ही चलती रही और कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं हुई तो इस महामारी का विकराल और भयंकर रूप जल्दी हमारे सामने होगा और सरकार की ये सब सुविधाएं और इंतजाम भी कम पड़ने लगेंगे और स्थिति संभालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरा निवेदन आपसे बार बार यही है कि अब गेंद है वो जनता के पाले में है। जनता जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी नेता हमारे धर्म गुरु सब जुड़े हुए हैं उन सब से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि जनता को एजुकेट करें कि एक ही मूल मंत्र है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि प्रत्येक नागरिक द्वारा जिम्मेदारी से पालना किया जाना। सामाजिक स्तर पर हमें इस बात को खूब प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है और सामाजिक स्तर पर जन आंदोलन की आज आवश्यकता है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है। इसके बिना इस महामारी से बचना हम सब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। साथ ही साथ हमें वैक्सीन के प्रति भी हर स्तर पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें और ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो सके। ये निश्चिंत है, आप बिल्कुल इसको कॉन्फिडेंस के साथ में इसको एक्सेप्ट करें कि वैक्सीन आपको सीवियर बीमारी से एवं मृत्यु से बचाव करता है। अभी समय रहते सब लोगों को, आम नागरिकों को, पॉलिटिशियंस को, रिलीजियस लीडर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, वार्ड मेंबर्स को, पंच सरपंच को, अन्य अधिकारियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं जो सरकार के साथ जुड़कर अतिशीघ्र निर्णय लें। हो सकता है कि वो निर्णय बहुत कठोर भी हो सकते हैं और कठोर निर्णय की जरूरत है, वहां कठोर निर्णय सब पॉलिटिशियन साथ में जुड़ के सरकार के साथ में सभी सामाजिक कार्यकर्ता और जनता सब साथ में जुड़ के सरकार के साथ में अगर कठोर निर्णय है तो भी उसकी पालना करें, सरकार को सहयोग करें ताकि हम आम नागरिक को, समाज को, देश प्रदेश को सुरक्षित रख सकें। कृपया सामूहिक निर्णय लेने और उसकी पालना करने में ढिलाई या देरी नहीं करें, नहीं तो इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। नमस्कार सर। आपका डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जुड़े हुए भीलवाड़ा से, मैं कहूँगा उनसे कि इसके हम आगे बढ़े हैं, वो कुछ रिमार्क्स करें पब्लिक के लिए भी, और क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं, 1,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इससे वीसी से। डॉक्टर रघु शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बताए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश पूनिया जी, हमारे नेता उपनेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ साहब, चिकित्सा राज्य मंत्री सम्मानीय सुभाष गर्ग जी, सम्मानीय पुखराज गर्ग जी, सम्मानीय भलवान पूनिया जी, सम्मानीय डी के चंगाणी जी, सम्मानीय बेलाराम जी, जो भी जनप्रतिनिधि इस वीसी से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं इस वीसी से, हमारे मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी साहब, सभी सम्मानित धर्मगुरुगण, विशेषज्ञ चिकित्सकगण, समस्त अधिकारीगण, हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और जिस तरह से ये दूसरी वेव आई है, हर रोज मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश की स्थिति का रिव्यू करते आए हैं, निर्णय भी किए हैं। 5 मार्च से हमने 15 दिन को एक SOP जारी की, कैसे राजस्थान में बढ़ते हुए संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयावह आ रही है। 1,85,000 केसेस हमारे देश के अंदर आए हैं और करीब
5,771 केसेस एक दिन पहले थे और कल 5,528 केसेस आए। मृत्यु भी जैसा सभी लोगों ने बताया कि मृत्यु भी अधिक हो रही है इस बार। जब हमारी पिछले वर्ष से हम तुलना करते हैं तो पहले संक्रमित लोगों की संख्या भी कम थी, मृत्यु भी कम थी और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा जो हथियार था, आम जनता में जागरूकता भी थी और एक डर का वातावरण भी था इस महामारी के बारे में। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ने 70,000 टेस्ट आरटीपीसीआर क्षमता डेवलप कर ली और कुछ ही दिनों में इसको 1,00,000 तक बढ़ा देंगे। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे, हमने वेंटिलेटर्स का प्रिक्योरमेंट किया है, हमें आईसीयू डेवलप किए, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम किया है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाया है, सामने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की हमारी तैयारी है और डे केयर फैसिलिटी हो, पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके लिए फैसिलिटी डेवलप करने की बात हो। सरकार संसाधन जुटाने में कोई कमी नहीं रख रही है। हमारा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जिसके लिए अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरे कंट्री के अंदर, मेरे पास भी अधिकांश टेलीफोन अब यही आते हैं, रेमडेसिविर चाहिए। इनके प्रिक्योरमेंट के बारे में भी सरकार सजग है, चाहे वो रेमडेसिविर की बात हो चाहे टोसिलिजुमैब की बात हो। प्लाज्मा थेरेपी हमने पहले शुरू की थी, प्लाज्मा थेरेपी हमारी चालू रहेगी, लेकिन जिस मात्रा में केसेस बढ़ रहे, अगर ये इसी ढंग से बढ़ते रहे तो जो इंतजाम कर रहे हैं वो इंतजाम रहेंगे मेरे ख्याल से। अभी जैसा डॉक्टर राजा बाबू ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि महामारी का मुकाबला अस्पताल में नहीं किया जा सकता, महामारी का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। मुझे अच्छा लगा राजेंद्र राठौड़ साहब ने, सतीश पूनिया साहब ने और भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधिगण बोलेंगे। राजस्थान में फॉर्चुनेटली अच्छा वातावरण है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, लेकिन फिर भी कई बार जो स्थितियां बनती है, बयान हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमको किसी की आलोचना करनी पड़े। अब जैसे वैक्सीनेशन में राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी तैयारी अच्छी थी, स्टोरेज कैपेसिटी ने बहुत ही शानदार से डेवलप की पूरे प्रदेश में। 3 हमारे स्टोरेज सेंटर ने राजधानी जयपुर में किए, 7 स्टोरेज हमने सारे संभागीय मुख्यालय पे किए, 34 मेडिकली डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, वहां पे स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप हुई। 1 मेडिकल जो वैन है सिर्फ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो जिले में छोड़ी। 2,444 पॉइंट्स, कोल्ड चैन पॉइंट्स, वो पूरे राजस्थान में डेवलप किए गए। और जो सत्र स्थल होती है, जो जहां पे वैक्सीनेट किया जाता आदमी को, उसकी तैयारी भी पूरी की हमने। 1 करोड़ वैक्सीन पूरे राजस्थान में लगाई, लेकिन हमें मिली भी इतनी। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने कि जब हम ये कहें कि वैक्सीन है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हकीकत में हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं होती है। अभी बात करते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी लिखी, हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी, उनसे जब भी वो राज्यों के चिकित्सा मंत्रियों से बात करते हैं, हम भी बैठते हैं, पॉजिटिव बात होती है। जो अगर मान लो कठिनाई भारत सरकार के स्तर पे भी आ रही है, वो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन उसको अगर टाइमली कम्युनिकेट कर दिया जाए तो उसको पॉलिटिकलाइज कोई भी करे फिर करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। आज राजस्थान में वैक्सीन नहीं है, ये तो सही है, और हमने लिख भी दिया है, इससे हमारा वैक्सीनेशन का काम रुक गया है। हमारा जो अभी दूसरा दौर आया उसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो पहले से टीम बनी हुई है, पहले भी राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शानदार था और अब किसी भी तरह से कोई वेस्टेज नहीं हो, जो हमारे पास अवेलेबल संसाधन है उनका ऑप्टिमम यूज हो, उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, ये इस पे भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में अभी भी चर्चा हुई।
सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की गई है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात के बारे में राठौड़ साहब ने कहा। कुछ जगह पिछली बार शिकायत आई थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिए चीफ सेक्रेटरी साहब को, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के ऑनर्स से बात की गई है, जिलों में भी बात की गई है। 40% बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में जो 100 बेड से ऊपर है वो रिजर्व ऑप्शन की बात की गई है, और जो कब 60% के हैं कैपेसिटी वाले उनमें 30% बेड और भी जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। प्राइवेट होटल्स को उनको कहा गया है कि आप एंगेज करके रखिए। कुल मिला के इंतजाम करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर रहनी चाहिए कि हम कोई भी बयान दें, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से दें चाहे प्रतिपक्ष की तरफ से दें, एक मैसेज ये जाना चाहिए जो राजस्थान में इस महामारी से हम मिलकर लड़ रहे हैं। हकीकत में भी जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तब ऐसा माहौल लगता है कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बैठक को लड़ रहे हैं। तो राज्यों में भी जब मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील है, खुद एडवांस मैनेजमेंट पर विश्वास करते हैं, खतरे को भाप के और एक्शन लेने की बात करते हैं, तो हर सब लोगों का भी एक फर्ज बनता है, क्योंकि महामारी में राजनीति की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब मेरा यह है कि ये संक्रमण, जैसा मैं तो सुनता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन एक व्यक्ति एक वीक के अंदर 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब वो भी स्थिति नहीं रही कि जब हम कहेंगे कि ये यंग जनरेशन को नहीं होता है, यंग जनरेशन भी वैसे ही खतरनाक स्थिति में आज अस्पतालों में पहुंच रही है, उनके भी लंग्स में उसी खतरनाक स्थिति का संक्रमण हो रहा है। तो कोशिश हम सबको मिलकर ये होनी करनी चाहिए कि भारत सरकार से हम सब बात करें, आप अपने स्तर पर करें, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर करें। ये जो वैक्सीन है ये लगाने का काम एज भी कर देना चाहिए, लेवल होगी जो लगाना चाहे वो लगाए, ताकि हम बता सके। बाकी मैं समय पे अभी तो पता नहीं इसका पीस कब आएगा, क्या आने वाले समय में स्थिति बन सकती है, कठोर कदम सरकार उठाने भी पड़ेंगे और उठाना भी चाहिए। आईसी एक्टिविटी भी बढ़ी है, उसके बाद भी लोगों में भय का वातावरण नहीं है, ये सच्चाई है। तो कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है, हम सब लोग मिलके पॉलिटिकल आधार पे एक जॉइंट अपील जारी करें पूरे राजस्थान में, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वो मिलके एक अपील जारी करें, ये खतरा जो है पिछले वर्ष से ज्यादा खतरनाक है, मृत्यु भी ज्यादा हुई, आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें, राज्य के लोगों से मदद करें, क्योंकि ये अस्पताल तो सीमित संख्या की है, अगर ये संख्या लाखों हो गई कभी भगवान नहीं करे तो फिर स्थिति हमको जमीन पे लड़ाई अल्टीमेटली लड़नी पड़ेगी। तो सब लोगों को मिलजुल कर राजस्थान में ऐसा वातावरण बने कि हमारी मृत्यु दर जो पहले से कम है, हमारा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स खूब लगे हैं पूरे साल के अंदर, ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास है, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो सेचुरेशन पे तो पहुंचेगा इंतजार, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे टोसिलिजुमैब की बात हो, चाहे प्लाज्मा थेरेपी की बात हो, कोई बात हो, अगर ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन फैलता तो हमें पहले से ही सुधारात्मक या बचाव के जो उपाय है उनकी चर्चा करनी चाहिए। और आवाज कट बोलिए, आवाज कट रही है आपकी, शॉर्ट बोलिए, थोड़ा शॉर्ट की चीज को सर, बस मैं यही कहना चाहता था। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आदरणीय डीके चकानी साहब, क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ जी नमस्कार, बोलिए। आज ठंडा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोलिए सर। नमस्कार जी, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत आभार कि
आपने प्रदेश के अंदर में कोरोना के दूसरे वेव को समझ करके इसकी ओर ध्यान दिया और समय रहते हुए सब लोगों को चेताने के लिए जो कदम उठाया उसके लिए मैं अपनी ओर से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जिन बातों को कहा गया है उनको न दोहराते हुए कुछ अपनी ओर से दो बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कोरोना के जो इंजेक्शंस हैं उन इंजेक्शंस को देने के लिए हमने जो शुरुआत वृद्ध आदमियों से की है तो उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो ठीक है, पर मैं समझता हूँ हमें अपने इस वर्तमान परिस्थितियों के अंदर में लॉकडाउन तो करना नहीं चाहिए, और लॉकडाउन जब नहीं करना चाहिए तो ये कोरोना के जो इंजेक्शंस हैं ये वर्किंग क्लास को पहले लगाना चाहिए ताकि वर्किंग क्लास जो है बराबर तत्वचित होकर के काम कर सके। जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं वो अपने अपने फैक्ट्री के अंदर में सारे वर्कर्स को लगाएं वो, और उसी तरीके से स्कूल के अंदर में पढ़ने वाले छात्रों को भी लगाएं ताकि ये जो वर्किंग फोर्स है वो फोर्स किसी तरह से कम ना हो और उसकी उत्पादन क्षमता हमारे प्रदेश की जो उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन क्षमता के ऊपर में कोई किसी प्रकार की कमी ना आए। तो इसलिए मेरा विचार तो यह है कि इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया नीचे के लेवल से वापस चालू की जाए। दूसरी बात, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कारण कि अगर लॉकडाउन हो गया किसी तरीके से तो जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि लोग फैसे बांध के घरों पर रवाना हो गए और फिर हम उनका इंतजाम नहीं कर पाए और रास्ते में लोग मर गए और खाने का ठहरने का इंतजाम नहीं किया, तो वो अव्यवस्था तो हमको किसी हालत में नहीं करनी चाहिए। हमारी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि उत्पादन प्रक्रिया चालू रहे और उसको चालू रखने के लिए हमें निश्चित रूप से उन लोगों को वैक्सीनेट करके और उनकी ताकत को बढ़ाए रखना चाहिए। जहां तक गाँव का प्रश्न है, गाँव के अंदर में जो चुने हुए प्रतिनिधि पंच सरपंच है उसके साथ साथ गवर्नमेंट मशीनरी BDO वगैरह जो है उनको जवाबदार दी जानी चाहिए कि वो गांव के अंदर में इसको फैलने से रोकें, और उसके साथ ही साथ शहरों के अंदर में धर्म गुरुओं की तरह से अपने को जितने भी व्यापार मंडल हैं उनके लोगों को भी एक बार कहना चाहिए कि भाई आप अपने दुकानों के अंदर में किस तरह से सुरक्षा करेंगे, उनके साथ में भी एक मीटिंग करके और अपनी दुकानों के अंदर में ग्राहकों को लेने के लिए। तीसरी बात, जो सरकार की तरफ से चालान काटने की जो प्रवृत्ति बहुत ढीले है, बिना मास्क वाले हैं वैसे ही, खास करके जो नए लड़के हैं समझते हैं कि हमको तो कुछ होगा ही नहीं और बिना मास्क निकल लेते हैं, तो ये चालान काटने की प्रक्रिया को जब तक अपन तेज नहीं करेंगे जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों इसकी आवश्यकता है। बाकी जो आपकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वे सारे के सारे प्रयास बहुत ही स्तुत्य हैं और मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी की ओर से हमारे जो सरकार द्वारा जो किए गए जितने भी प्रयत्न हैं उनको हम पूरी पूरी तरह से समर्थन देंगे। धन्यवाद। हाँ जी बलवंत पूनिया जी, बलवंत पूनिया CPM डिस्कनेक्ट हो गए सर। क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, BTP के मिस्टर वेलाराम जी, वेलाराम जी, पुकरा गर्ग जी, RLP गणेश मंदिर मोती डूंगरी के कैलाश शर्मा जी, महेंद्र जी, कैलाश महेंद्र जी, परम श्रद्धेय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी साहब, आपके नेतृत्व में पिछली बार राजस्थान का जो कोरोना का ग्राफ था वो बड़ा ही सुचारू चला, इसके लिए मेरा साधुवाद है।
मैं पिछली बार भी वीसी में आपसे मैंने निवेदन किया था कि भय बिगर प्रीत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक सख्ता ही नहीं करी जाएगी जब तक कोरोना पे पार नहीं पाई जाएगी। मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं कि हमने पिछली बार कहा था कि जो आप निर्णय लेंगे हम सब उसको सहर्ष पालन करेंगे, सअक्षर पालन करेंगे। मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूं इस महामारी को निपटने के लिए हमको जवाब और मास्क से पूरा नहीं होगा, क्योंकि शहर में हम घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लोग बाग आपस में इतने घुल मिल रहे हैं कि वो कोरोना बढ़ रहा है, उससे छोटे छोटे बाजार खुले हुए हैं उनसे भी हो रहा है। मैं अब आने वाले समय के अंदर आखा ती जारी है, राजस्थान में करीब 2.5 लाख शादियां होंगी रामनवमी आखा तीज के अंदर। अगर एक शादी में मैं 50 आदमी भी लगाऊं तो उसके अंदर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि अपन सोच नहीं सकते। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि सब चीज़ों से आप कड़ाई से पालन करें, हम सब आपके साथ हैं, जो भी आप निर्णय लेंगे हम साथ हैं। अगर आप धर्मस्थल को लॉकडाउन भी बात करते हैं तो भी हम साथ हैं, लेकिन सब चीज़ों का मुकाबला आप जैसा यशस्वी ही कड़ाई से कर सकता है, और आपसे निवेदन है कि इसको कड़ाई से ही, कड़ाई का उपयोग करके ही इसका समाधान करें। जय जगदीश। गोविंद देव जी मंदिर जिमान्य शुभ स्वामी जी, जय श्री राधा गोविंद। आज नवरात्रों के पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे महाराज जी ने कहा, हम भी मंदिर वाले सब आपके सब निर्णय में आपका पूरा सहयोग देंगे। मंदिर में लगातार मास्क पहनना और वेबसाइट और अन्य फेसबुक के चैनल से भी लगातार लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि वे सुरक्षित रहें और सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालना करें। आगे जैसा आपका मार्गदर्शन रहेगा वैसे पालना की जाएगी। जय श्री राधा गुरु। बहुत धन्यवाद आपका। मनी खोले गर्मान जी, ब्रजसुंदर ब्रजमोहन शर्मा जी, जय श्री राम साहब, नमस्कार। वैसा सरकार के जो नियम और जो पाबंदियां चल रही है बहुत ठीक चल रही है, परंतु जैसा बताया गया कि कड़ाई से ही पालना कराई जानी चाहिए। आपने मुझे याद है कि आपने कहा था कि हमने सारे स्टेट के जो सील कर दिए हैं बॉर्डर्स। अभी मैं परसों रात को ही हरिद्वार से लौट रहा था तो कहीं कोई चेकिंग नहीं थी। अगर मैं दिल्ली भी क्रॉस करके आया, मैं यूपी भी क्रॉस किया, मैंने हरियाणा भी किया, राजस्थान में एंट्री की, कहीं कोई चेकिंग नहीं थी। किसी ने हमें आगे नहीं पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या नाम। इसी तरह हम हरिद्वार गए, वहाँ पे चेक जरूर किया गया सारी बस को कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट 73 आवर्स की है या नहीं है। तो महोदय आपसे निवेदन यही है कि दुकानें अभी भी 8 बजे बाद में शहर में खुली रह रही हैं, थोड़ा सा सख्ती से आप पालन करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी हम लोग सब आपके सरकार के साथ हैं, पूरा सहयोग हम देने को तैयार हैं। जामा मस्जिद जोरी बाजार नईम कुरैशी जी, फिर आला जनाब अशोक गहलोत साहब और तमाम जिम्मेदारान आदाब। रमजान और दिगर जो मजहब के समारोह हैं उनके लिए सबको बधाई। सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, जिस तरह से आपने इस बीमारी के दौर के अंदर जिस तरह से काम किए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको और ताकत दे। जहाँ तक मसाजिद का, मंदिर का और इन चीज़ों का ताल्लुक है, सर कल भी मीटिंग ली गई थी जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर, और देखिए कि लोग इतने जागरूक हैं, उन्होंने पालना की। मसाजिद में जामा मस्जिद का सदर होने के नाते आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, उसमें 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे कमोबेश 500 लोगों की कैपेसिटी है, और वहाँ पे 10-10 लोगों ने नमाज पढ़ी। सर मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर हम सोच कर और विचार करें, मैं साफ मन से कहता हूँ कि अगर बाज़ारों में जो रोज़ बाज़ार खुलते हैं अगर हम उसको साप्ताहिक कर दें या उनको बांट दें। जैसे मुझे ध्यान है बचपन में ज़माने में मैं देखता था कि एक दिन ये बाज़ार खुलता था, एक दिन ये बाज़ार खुलता था, तो इससे हमें कंट्रोल करने के अंदर बहुत हद तक एक कामयाबी मिल सकती है। ये मेरा निवेदन है, और जैसा हुक्म आपका होगा इंशाल्लाह हम आगे आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। शिक्षा समाज से अजय पाल सिंह जी, सुधार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
आपने पिछली बार भी इस महामारी को जिस तरह से कंट्रोल किया है, राजस्थान की सारी जनता आपकी आभारी है। लेकिन जो कमियां अब आ रही हैं, जो पिछली बार हुई थी उसमें जो जो कमियां अब आ रही हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो सारे ही चीज़ें अब लागू करें। ये जो महामारी है ये किसी समाज की नहीं है, तो पूरे देश एवं प्रदेश की है। इसके लिए आप जितना भी सख्त कदम उठा सकते हैं उठाएं, सारा समाज आपके साथ है, सारे धर्मगुरु आपके साथ हैं। हमारी तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है इस महामारी से जल्दी सबको निजात मिले, कोई ऐसा जरूर हमारे को करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईसाई समाज से बिशप ऑक्सफर्ड लेवी जी। नहीं पता है, नहीं सर, नहीं आए, कोई बात नहीं। जी मुमताज मशी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। सारे धर्मों के अंदर मनुष्य जीवन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। मनुष्य जीवन अगर जी है तो सब कुछ है, इसीलिए सारे धर्मों में ये कहा गया है कि मनुष्य के जीवन को बचाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा काम है। तो आप इस काम के लिए जिस प्रकार से भी सख्ताई करें चाहे कड़ाई करें, जैसा कि अभी गढ़ गणेश जी के कैलाश जी ने कहा कि हम सब आपके साथ हैं, सरकार जिस प्रकार का भी डिसीजन लेगी, जिस प्रकार के भी कानून लागू करेगी, उसमें हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका। जैन समाज से राजेंद्र गोदा जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। सरकार ने जो प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए जो किए हैं उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। लेकिन जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया तो मॉनिटरिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। बाजार खुले हैं, भीड़ की कोई कमी नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, बिना मास्क के लोग चल रहे हैं। मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है और उस मॉनिटरिंग को आप सख्ती लाइए। जहाँ तक जैन समाज का सवाल है, आपने पहले भी जो निर्देश दिए उसकी पूरी पालना की है, अब भी सरकारी निर्देश आएंगे उसकी पूरी पालना होगी। लेकिन मैं एक बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, सख्ती चाहे जैन समाज पर लागू हो चाहे अन्य समाजों पर हो, सख्ती होना बहुत ज़रूरी है। और जो सख्ती आपकी तरफ से होगी उसकी ही प्रभाव पड़ेगा, बिना शक्ति के कोरोना को ठीक नहीं कर सकते हम। ये मेरा सुझाव है, इस पर आप अमल कीजिए। जय महावीर। अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद आपका। सुधांशु काठलीवाल जी बैठे हैं, और भी बोलना चाहते हैं? विष्णु विष्णु चंद्र प्रजापत जी, हिंदू सेवा मंडल। विष्णु चंद्र प्रजापत, हिंदू सेवा मंडल। जोधपुर से विष्णु चंद्र प्रजापत, हिंदू सेवा मंडल बैठे हैं क्या? हाँ जी सर, बोलिए साहब। हमारी जो संस्था है 96 ईयर से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है। अभी हम लोग जो कोविड, जी सर, मेरा ये निवेदन है कि जो जो स्वर्गाश्रम में कोविड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है उनके कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, एवं सभी राजस्थान के जिलों में विद्युत सौदाग्रह या गैस आधारित भट्टी लगाई जाए सर, ताकि दूसरे लोग भी वो संक्रमित ना हो और उनके साथ जो आने वाले हैं वो भी संक्रमित ना हो सर। ये मेरा खास तौर से विशेष निवेदन है आपका। जी 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 सर, विश्व चंद्र जी, ठीक, धन्यवाद भाई।
थैंक यू सर। रामेश्वर राशि मेन बालाजी मंदिर अशोक जी मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार भाई। कोरोना के इस लड़ाई में आपने थोड़ी प्रयत्न है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति लगाएं और शक्ति लगाने से इसमें कमी आ सकती है। ये जब तक भीड़ भड़ाका जब तक कम नहीं हो जब तक ये इस रोग का निवारण हुआ है। ठीक है ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मोहन जी जाना राणा भाई जी बोलो मोहन जी। अरे उसको नमस्कार साहब मैं नमस्कार सर मैं ओशो माता जी के मंदिर से जो भी परिस्थितियाँ हैं वो मैं आपको अवगत करवाता हूँ कि यात्रु बाहर से आ गए हैं भोजनशाला चालू है और आप सभी कह रहे हैं कि शक्ति शक्ति शक्ति। पिछले साल जैसलमेर से चीतोर तक यहाँ से पैदल आदमी गए थे उनकी हमने फिजिकली देखी है और उनकी क्या स्थिति हुई थी क्या हमने वो सेवा की है। इसलिए शक्ति तो लगाओ करनी पड़ेगी लेकिन हकीकत में वहाँ पर उनकी यह हालत थी कि बीच में डिलीवरी हो गई थी गिर गए थे अपंग हो गए थे वो एक ही चाहते थे कि हमें जगह पर पहुंचा दो। हमें कुछ नहीं खाने का हमने व्यवस्था कर दी थी और रहने की व्यवस्था कर दी थी लेकिन वो एक ही पुकार कर रहे थे कि हमें जगह पर पहुंचा दो और जगह पहुंचाने के लिए सब नाकाबंदी थी। ज्यादा से ज्यादा हम जोधपुर सीमा के अंदर उनको पहुंचाते थे इनसे आगे तो उनको जाने नहीं देते थे। तो शक्ति जरूरी है शक्ति के ऊपर नहीं होगा लेकिन हमारे मंदिर के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि पहले तो ये कहा नहीं अब 8 तारीख को 13 तारीख को नवरात्र शुरू हो गए हैं बाहर से आने वाले आ गए हैं और यो हवन करवाने लोग आ गए हैं अब उनको क्या क्या जवाब दें। रोकना भी तो पड़ता है रोकना जो भोजनशाला भी तो जरूरी है तो कुछ ऐसी समस्या है। दूसरा चीज जो कई मंदिर ऐसे हैं कि वहां पर आने जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं ना अपने ओशो मंदिर एक ऐसा है कि वो पुरातत्व विभाग और देवी स्थान विभाग दो मालिक तो आने जाने का रास्ता ही उनका एक ही है तो ये भी हमारे सामने भारी समस्या है। वैसे आप जैसे आदेश करोगे वैसे हम पालना करने के लिए तैयार हैं। पहले भी की थी भोजन की व्यवस्था की थी सहयोग दिया था सब कुछ पैकेट बनाए थे सूखा पैकेट दिया था सब करने के लिए तैयार है। जैसी गाइडलाइन आप देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए आप लोगों ने पिछली बार भी जिनको पूरी पब्लिक ने भी धर्म गुरुओं ने भी मंदिरों ने सब ने मस्जिदों ने भी जिसका बस चला गुरुद्वारों में भी सब जगह लोगों ने भरपूर सेवा किया। सूखा राशन भी पक्का राशन भी सरकार ने भी राशन भी दिया और पानी भी दिया अभी भी दे रहे हैं। तो हमने सबने मिलकर मुकाबला उस वक्त किया था। अभी आप सुन रहे हो कि जो दूसरी लहर आई है बहुत खतरनाक आ गई है अभी तो शुरुआत हुई अप्रैल ही अभी तो पिछली बार भी सितंबर अक्टूबर में उसका पीक आया था। अब पता नहीं पीक आएगा सितंबर अक्टूबर में तब तो या तो खत्म हो जाएगा अगर बढ़ गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम लोगों सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। मिलने में ताकत है पूरे प्रदेशवासी हो जन नेता हो राज नेता हो व्यापारी हो ट्रेड यूनियन वाले हो धर्म गुरु हो सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। पहले की तरह मुझे गर्व है कि राजस्थानी जनता ने पिछली बार कोई कमी नहीं रखी कोई भूखा नहीं सोएगा का आपने उसको निभाया। राजस्थान सतर्क है उसी ढंग से आप सतर्क रहे अब भी वही भावना में है कोई चिंता की बात मत करो सारी व्यवस्था आपने कर रखी है। पहले हम जीरो पे थे टेस्टिंग में हम 70,000 टेस्टिंग पर डे करते हम 1,00,000 तक जाएंगे पूरा बेड बना रखे हैं अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड बने हुए हैं ऑक्सीजन की लाइनें बिछ गई है ऑक्सीजन के बनाने के लिए सिलेंडर वो क्या प्लांट लगे छोटे बड़े और तो और आप देख लीजिए कि वहाँ घुसते ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं तो कोई कमी नहीं अपने यहाँ पर सब व्यवस्था अच्छी की हुई है और सब मिलकर अच्छी व्यवस्था करेंगे। परंतु लड़ाई जो है कोविड की वो अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती वहाँ तो जाएंगे मरीज को ठीक करने का प्रयास करेंगे लड़ाई लड़ी जाती है मैदान के अंदर जहाँ पर प्रोटोकॉल अडोप्ट करें आप सब अच्छा लग रहा है कि सब लोग बैठे हुए मास्क लगा करके असली लड़ाई ये है जो आप लड़ रहे हो। मास्क जो है वो आपके वैक्सीन से कम नहीं है। मास्क लगाना हाथ धोना सोशल डिस्टेंसिंग करना
ज्यादा जरूरी है। तो रात्रम भर के जितने हमारे लोग बैठे हैं, इन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार का मैं गर्व एक पूरे देश में नहीं विदेशों में भी तारीफ हुई राजस्थान की, इतना शानदार अपने काम किया और बिरोड़ा मॉडल तो सब जगह फेमस हुआ। इस बार भी रात दिन एक किए हुए हम लोग, अभी भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये जो विषय चल रही है इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लिंक दे रहे हैं, तो मीडिया के अंदर भी और पब्लिक भी अपने कमेंट भेज रही है लाखों की संख्या में। तो हम लोग सब मिलके लड़ी लड़ेंगे, उसमें कामयाब होंगे, यही बात कहूंगा मैं आपको। और जितने ढाका जी बैठे हैं यहाँ पर, हाँ जी बोलिए साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे विशेष निवेदन ये है कि जो बीमारी चल रही है वो चल रही है, इस बीमारी को किस तरह से काबू पाया जाए, कहाँ पर ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, किस कारण से फैल रही है, जैसे मंदिरों में फैल रही है या पेट्रोल पंप पे फैल रही है या दूध के चोटे में फैल रही है या सब्जी मंडी में फैल रही है, उस एरिया में विशेष तौर से जांच की सुविधाएं बढ़ाई जाए और उस एरिया को कंट्रोल किया जाए जिससे ये बीमारी कंट्रोल हो सके। और दूसरी चीज है सब दवाई आसानी से उपलब्ध हो, हर इंसान छोटे से छोटे गांव में जाके अस्पताल में कोविड की दवाई आराम से ले सके, डॉक्टर से सलाह लेके दवाई ले सके, तो इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है कि बीमारी के साथ आदमी को जिंदा रहना पड़ता है, अब जिंदा कैसे रहना है वो तरीका तो सोच रहा है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका। अजमेर, अजमेर से हाजी सैयद मोइन हुसैन जी, अध्यक्ष अंजुमन सैयद जादगान दरगाह अजमेर जी। मैं हाजी सैयद मोइन हुसैन, प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद जादगान, मैं आपको आदाब अर्ज करता हूँ। और पिछले साल जिस तरीके से राजस्थान में सबसे पहले आपने तवज्जो दी और आपने मीटिंग भी कॉल की और जिस तरह से आपने इंतजाम किए, उससे काफ़ी कुछ अच्छा संदेश गया पूरे देश में भी और पूरी दुनिया में भी। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले साल के तमाम मामलात को देख कर के हमें कुछ सबक भी मिला है, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या आसानियाँ हुई और क्या क्या दुश्वारियाँ हुई। आसानी ये हुई कि लोगों को हमने रोक दिया, दरगाह को भी 5.5 महीने तक, पहले 20 मार्च को दरगाह को जब बंद किया गया तो 31 मार्च का कहा था, करते करते वो 7 सितंबर तक बात चली गई। उससे तमाम लोग जिनकी आजीविका हजारों हजारों लोग हैं, हजारों परिवार हैं दरगाह के एतराफ़ में रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी सब वहीं से वाबस्ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है वो सब पालना हमने करवाई। अचानक जब लॉकडाउन लगा तो 4,500 तकरीबन जो जायरीन थे यहाँ पर वो फंस गए थे, उनको पूरे 1.5 महीने तक हमने अंजुमन की जानिब से और दरगाह कमेटी की जानिब से उनके खाने पीने की व्यवस्था की। तो वो जो दुश्वारियाँ हुई थी वो ऐसा फिर रिपीट ना हो, हम ये चाहते हैं कि हम हर तरीके से आपके साथ में हैं, जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन आप लगाएंगे उसके साथ में। लेकिन जो ख्वाजा साहब का दरबार है आप भी बखूबी जानते हैं, हमेशा हाजिर होते हैं वहाँ पर, तो तमाम तकलीफ़ों का निवारण होता है ख्वाजा साहब के दरबार में। तो हम दुआ करते हैं कि ना सिर्फ हमारा शहर, ना सिर्फ हमारा प्रदेश, ना सिर्फ हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया से ये बला जो है वो दफा हो जाए। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि लोगों की हाजिरी भी हो दरबार में, दुआएँ भी हों, ये रमज़ान का पवित्र महीना है। हम भी लोगों से ये आग्रह करेंगे कि कम से कम लोग आएं और डिस्टेंस बना करके रखें, लेकिन ये पवित्र महीना है दरबार में, लिहाजा दरबार शरीफ के अंदर जो भी रसूमात दरबार की हैं वो अदा होती रहें और जायरीन भी कम आए और लोगों के सहरी और अफ्तार का इंतज़ाम करते हैं हम, वो बखूबी चलता रहे और हर तरीके से हम आपके साथ में हैं। जैसा भी आपका निर्देश होगा उसकी पालना पहले भी हमने की थी और आगे भी हम करेंगे। और हम दुआ करते हैं आपके लिए, आपकी सेहत सलामती के लिए, आपकी सरकार के लिए, आपके इज्जत में इकबाल में और बुलंदी और तरक्की अता हो। धन्यवाद। पिछली बार भी रमजान के महीने के अंदर भी, रमजान में भी, ईद पे भी सबने कोऑपरेट किया पूरे राजस्थान के अंदर, वो हम भूले नहीं हैं।
वाहिदुसैन जी हाँ वाहिदुसैन साहब वो चले गए साहब वो थे यहाँ पर बोलिए भाई सर ज्यादा बोलिए बोलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस संकट की घड़ी में आपने परिवार के मुखिया की हैसियत से इस राशि को संभाला है उसके लिए हमें और तमाम प्रदेश की जनता को आप पे गर्व है। इसने बुरे हालात में भी आज भी हमारी राजस्थान की स्थिति दूसरे से बहुत बेहतर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि धार्मिक स्थल पे तो कोविड गाइडलाइन फॉलो की जा सकती है और जा रही है। जैसे कि अभी एक इमाम साहब जयपुर से फरमा रहे थे कल रात को उन्होंने बताया कि 10 से 12 लोग ही वहाँ मौजूद थे मस्जिद में। मंदिर में भी हम कैपेसिटी फिक्स कर सकते हैं कि कितने लोग स्टैंड फिक्स कर सकते हैं, दरगाह में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव आपको ये माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो मार्केट है वहाँ पर क्या हालात है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है, वहाँ पर मास्क यूज नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर सख्ती करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दरगाह बजाय हम दरगाहें मंदिर या मस्जिद बंद करें, उससे बेहतर है कि जो मार्केट में भीड़ है कि सोशल गैदरिंग जहां हो रही है शादी और अननेसेसरी गैदरिंग की जाती है वहां पर, वहां किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड की गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही आज की तारीख में, वहां ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। आज जो यूथ इस बीमारी से संक्रमण हो रहा है मैं समझता हूं उसकी मेन वजह यह कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पार्टियां हो रही है शादी हो रही है वहां पर यूथ ज्यादा रहता है, वो मास्क नहीं लगाता, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता। तो कोविड गाइडलाइन में ये अश्योर किया जाए कि 100% तीन चीजों के लिए, एक तो मास्क लगाया जाए, एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले। इन तीन चीजों में आप जितनी सख्ती कर सकते हैं हम लोग उतनी सख्ती करें। तमाम धर्मगुरु आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, आप तमाम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, इस महामारी से हमें लड़ना है। आपका जो एक वो है डिमांड है इसके लिए हम तमाम धर्मगुरु तमाम प्रदेश की जनता आपके साथ है कि 18 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया जाए, क्योंकि अब यूथ भी से संक्रमित हो रहा है। इसके अलावा जो भी आपके निर्णय होंगे हम हमेशा आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे। अरुण पाराशर जी, ब्रह्मा गायत्री तीर्थ, अरे इधर आओ लोग पुष्कर, हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे राजस्थान में जिस प्रकार की गाइडलाइन से आपने इस राजस्थान की जनता को जो कार्य किया है उसके लिए आपको धर्मगुरुओं की ओर से जगत पिता ब्रह्मा जी और तीर्थ पुरोहितों की ओर से आपका साधुवाद है। और हमारा तो विशेष रूप से ये निवेदन है कि जिस प्रकार से पुष्कर मेला इस बार नहीं हुआ और जो इंटरनेशनल होली है पुष्कर की वो भी इस बार नहीं हो पाई, और अब सामने जितने भी धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं उनमें भी जिस जो स्थिति है ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर हमारे तीर्थ पुरोहितों की सबकी लाइफ लाइन है, पर आज स्थिति यह है कि हम बिल्कुल कहीं के भी नहीं रहे। और आज जो परसों सोमवती अमावस्या के दिन पुष्कर में लाखों लोग आने चाहिए थे, मात्र 3-4 हजार लोग आए, तो वो भी आज व्यवस्था जो है पुष्कर में बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस कोरोना महामारी के दौरान ब्रह्मा मंदिर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग से जा रहे हैं, सैनिटाइज का यूज कर रहे हैं, बहुत कम लोग वहाँ आ पा रहे हैं। लेकिन स्थितियाँ ऐसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम महामारी के दौरान इसको जन आंदोलन बनाएं, और हम सबका सहयोग आपके साथ है, और किसी भी प्रकार से हम कोई भी ऐसी वो दुर्घटना या किसी बात नहीं हो जिससे कि इस महामारी को हम आगे संक्रमित करने में हमारा या तीर्थ धर्म स्थलों का या धर्मगुरुओं का योगदान रहे। पर हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार अब संपूर्ण लॉकडाउन के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करे, और कैसे हम इससे लड़ाई लड़ सकते हैं इसके लिए हमें सबको आगे आना होगा। और आपका पुनः साधुवाद कि आप इस कार्यक्रम को और देश में राजस्थान को अग्रणी बनाए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी हो रहा है और सबसे ज़्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं, इसके लिए आपको पुनः साधुवाद है। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ भी है बैठे हुए ना, गोविंद जी, गोविंद जी नहीं है सर। नमस्कार। नमस्कार, हमारा सौभाग्य है कि आपका नेतृत्व हमें मिल रहा है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अजमेर जिले से रघुजी शर्मा और हमारे पूर्व कलेक्टर रहे वैभव गालरिया जी को आपने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी दी रखी है,
और वो बहुत बेहतरीन से निभा रहे हैं, और आपके सद प्रयासों से आपकी टीम के रूप में हमारा उपखंड प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पिछले साल की भांति इस साल भी बहुत बेहतरीन से काम कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है साहब कि आपकी सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हम सभी तीर्थ पुरोहित और धर्मगुरु सभी लोग आपके साथ पिछले साल की तरह इस साल भी जुटे रहेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही साथ मेरी आपसे एक आग्रह है कि जब स्कूल के अंदर बच्चे जाएं, जब भी खुले, या मंदिर के अंदर आज हमने अलाउ कर रखा है, या राजकीय किसी भी संस्थान में या ऑफिस में आम आदमी जाए या सरकारी कार्यकर्ता जाए, तो वो बिना वैक्सीन के, चाहे वो 45 से ऊपर जो भी है, जब तक वो वैक्सीनेशन ना करवा ले उसको अलाउ नहीं किया जाए। ऐसा आप एक सर्कुलर निकाले ताकि ये हमारी लड़ाई और लड़ाई केवल बचने का साधन केवल मात्र एक वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही है। तो वैक्सीनेशन मस्ट कंपलसरी, आप बराबर प्रयास में लगे हैं, पुष्कर में भी वैक्सीनेशन हो रहा है, सब जगह हो रहा है, लेकिन एक सर्कुलर निकाल दें कि 45 से ऊपर जो भी वैक्सीन लगवा चुका होगा वही मंदिर के अंदर सरकारी उपक्रमों में अलाउ होगा, तो वैक्सीनेशन की गति आपके निर्देश से और भी अधिक बढ़ेगी सर। ये मेरी आपसे एक प्रार्थना है। और आपसे, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। चालू है? अपने यहां से चल रहा है, टेक्निकली वहां से नहीं आ रही। वैक्सीन अगर सबको लग जाए तब तो आप कैसे तो शर्त लगाएं। वो बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे हरिदान सिंह जी कविया अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, हरिदान सिंह जी सीओमओ कन्वेंशन सेंटर। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर को नमस्ते सर। ऐसा है कि राजस्थान सरकार केवल जनप्रतिनिधि से बनकर के और इसके जिस जितने भी ऑर्डर्स हैं उसकी पालना लोक सेवकों द्वारा की जाती है, और लोक सेवक के आज से नहीं 22 मार्च 2020 से लेके आज तक श्रीमान के द्वारा दिए हुए प्रत्येक पालना अक्षर से करता है। मैंने पहली वीसी में भी आपसे निवेदन किया था कि हमारे यहाँ जो महासंघ है, महासंघ के सभी गुटों ने, क्योंकि टीचर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, हमारा सब नीचे लेवल पे है, जितना समझाइश का काम कर्मचारी कर सकता है उतना दूसरा कोई, चाहे कोई भी हो, वो उतना कम करेगा। आपके निर्देशों की पालना वहां होगी। ये महासंघ आज से नहीं, बिशन सिंह जी, उदय सिंह जी, केसर लाल जी से लेके आज तक चला आ रहा है, बहुत पुराना महासंघ है। इसमें आज दिनांक तक जो भी निर्देश आपके यहां से मिले अक्षर से पालना हुई है। हमारा निवेदन इतना ही है कि जैसे राजस्थान सरकार कुछ भी कोई ऑर्डर पारित करे या हमारे संबंधी, हमने, आपने उस समय 14 दिन का वेतन भी लिया था, हमने आपके ऑब्जेक्शन नहीं किए, और भी वेतन के लिए कहा था, दिया था, और धन्यवाद देंगे कि उसी फाइनेंशियल में हमारी जैसे छुट्टियां थी, समर्पित अवकाश था, उसी फाइनेंशियल में 2021 में आपने कंप्लीट कर दिया। 2021 में ही आपने 14 दिन का 15 दिन का वेतन भी दे दिया, आपने आगे की वेतन की कटौतियां बंद कर दी। हमारा एक जो, मैं कोविड में तो हम अक्सर से लगे हुए हैं, कोविड में कहीं उड़ाना नहीं आने देंगे। राजस्थान सरकार का नाम हम पूरे विश्व के अंदर पहले भी गौरवान्वित किया है और आज भी एम्प्लॉइज गौरवान्वित करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। हमारा ये है कि थोड़ा सा एक दफा पिछली विषय में कहा था कि अपन थोड़े दिन बाद में आपस में बैठेंगे, कोई चर्चा करेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे दुख दर्द को इस विषय से नहीं, आप एक दिन अलग से विषय लेकर के हमारे दुख दर्द को थोड़ा सुनोगे तो हम आपसे वादा करते हैं, आप सुनो या नहीं सुनो, ये तो वादा करते हैं कि जन सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हम इसकी अक्सर से पालना करेंगे। जरूर सुनेंगे आपकी, अलग से विषय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोरोना ठीक हुआ तो फिजिकली मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद।
गजेंद्र सिंह राठौड़ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जो कोविड चल रही है अभी, इसके लिए मेरा तो एक ही सुझाव है कि राजस्थान में जितने भी कार्यालय है उनको विभाग क्रम वाइज इसको कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, इसमें बचाव के लिए भी, क्योंकि इतने विभाग है, इनको अलग अलग वार के वाइज खोला जाए और जनता को भी असुविधा नहीं हो और कर्मचारी भी अपनी पूरी दिशा के साथ कार्य करे। इसके लिए मेरा सुझाव है कि विभागों का विवरण बना लिया जाए, उनको अलग अलग वार वाइज खोला जाए। एक तो ये था, दूसरा ये है कि जो अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम लॉकडाउन की पालना करने लॉकडाउन नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें खुद को लॉकडाउन में रखना चाहिए और घर पे जो आने वाले मेहमान है, हम कहीं जाएं या तो मास्क लगा के जाएं और घर पे आने वाले को हम बाहर ही इंटरटेन करें, तो ये सबसे बढ़िया चीज रहेगी। इससे हमारा क्या आपस में संक्रमण नहीं फैलेगा, इसके मेरा ये सुझाव है। दूसरा ये है कि आपने जैसे आपने अभी कहा है कर्मचारी महासंघ एकीकृत हमेशा जो भी सरकार है आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के, आपने पीछे भी देखा होगा जितने भी लॉकडाउन काल हो या लॉकडाउन के बाद हो, कर्मचारी हमेशा आपके साथ हैं, आपके हमेशा हर चीज आदेश की पालना करता है। पर कर्मचारियों को एक छोटी पीड़ा है, कई है जैसे अधिकारी हैं अभी कर्मचारी मंत्री महोदय हैं, कई मंत्री ऐसे भी है जो थोड़ा से कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पाबंद, क्योंकि आप तो हमेशा कर्मचारियों से समाज बनाते हैं, जनता से समाज बनाते हैं, पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है तो मिलके बातें की जाती है, विषय में नहीं की जाती है। जी जी ठीक है। बाबूलाल गुप्ता जी, खाद्य पदार्थ संघ बाबूलाल गुप्ता जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से ये जो वेव आई है बहुत ही संकट में है। पहले शहरों में था, कुछ कस्बों में था, परंतु अब ये फैल गया है गांव गांव में, और इस कारण से मंडियों में भी अब ये फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बार मंडियां बची रही थी और मंडियों का आदान प्रदान व्यापार चारों ओर से चलता रहा था और किसान आते जाते रहे थे, परंतु इस समय हमने व्यापारियों को तो निर्देशित कर दिया है, हमारे हर मंडी का व्यापार संघ बैठ करके मीटिंग करना चालू कर दिया है, और जो आपके यहाँ के निर्देश है डिस्टेंसिंग कायम रखे, हाथ धोना बार बार रखे और बोली लगाने टाइम पर भी वो अपनी डिस्टेंसिंग कायम रखे, ये सब व्यवस्था ने कर दी है। तो आ रही है कि ये दो सावे बहुत बड़े हैं, एक रामनवमी का और एक दूसरा आका तीज का सावा है, और ये सावे में 3600 जात इस समय शादियां कर रही है, और इन शादियों के कारण जिसे अभी बार बार कहा गया था कि बाजारों में बहुत भीड़ है, ये बाजारों की भीड़ मेरे ख्याल से 8-10 दिन, और इन जो आवश्यक काम है वही निपटा जा रहा है। आदमी खरीदार भी कोई बहुत ज्यादा सामान खरीद रहा है, निश्चित रूप से सरकार द्वारा 50-100 आदमियों का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, परंतु एक ये जयपुर तो जयपुर है, जयपुर में तो ये देखा गया कि मंदिरों में अगर बंद किया फाग तो घर घर में फाग होने लग गया, तो ये और 300-400 आदमियों का जीवन हुआ, तो ये जो यहाँ जाकर के एक बड़ी व्यवस्था है, कभी यहाँ पोस बड़े होते हैं तो कभी फाग होता है, तो कभी अब गणगौर की बिंदोरियां ही निकल रही है और तो छोड़ दीजिए, तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से दिक्कतें आती हैं। व्यापार और व्यापार के संबंध में जो भी निर्देश राज्य सरकार के पहले भी रहे हैं उनका अक्सर से पालन किया गया है, और मैंने हमारे मंडियों में तो भंडारों की व्यवस्थाएं भी कर दी गई है, तो जब भी आपके आदेश निर्देश आएंगे तो जिन जिन को भी, जैसे आपका हमेशा संकल्प रहता है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, हम उसमें तत्परता से आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका गुप्ता जी। मनु सक्सेना, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आज आपने कोविड की समीक्षा बैठक में हम लोगों को बुलाया यहाँ पे,
मेरा सर्वप्रथम तो ये सुझाव है आप सरकार से कि जो इस समय राजस्थान के अंदर 126 हेड ऑफिस हैं वहां पे करीब 1,00,000 कर्मचारी बैठते हैं वहां पे, तो मेरा सरकार से सुझाव है कि उन कर्मचारियों की संख्या थोड़ी सीमित की जाए, जिससे कि वहां जब 1,00,000 कर्मचारी करीब वहां ऑफिसों में बैठते हैं, लाखों कर्मचारी लाखों लोग वहां आते हैं, उनसे तो एक तरह से कोविड फैलता है, डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाती, तो मेरा सरकार को सुझाव है कि इसकी थोड़ी संख्या सीमित की जाए या इसको अल्टर डेज में बुलाया जाए लोग कर्मचारियों को वहां पे। और दूसरा जो मार्केट के अंदर जो जिस हिसाब से कोविड की स्थिति के हिसाब से जो जनता उमड़ रही है मार्केटों में, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, जनता कर्फ्यू जैसा सख्ती की जाएगी तभी काम बैठेगा, और मास्क नहीं लगाने वाले जुर्माना है उसको सख्ती से पालना किया जाए सर, क्योंकि मैंने कई बार मैंने खुद ने देखा है, मैं गांधीनगर इलाके में रहता हूँ, बाजार नगर तरफ देखा है, मैंने वहां कईयों को मैंने कहा भी है कि आप सख्ती इसकी सख्ती से पालना की जानी चाहिए, मास्क लोग लगाते नहीं है, बिना मास्क के प्रॉब्लम होती है, तो मेरा आपसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है कि थोड़ा सा इस पे सख्ती की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट हो रहा है कि आपने पुरानी बीसी में हमसे कहा था कि एक बार हम आप लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप बीसी करें कर्मचारी की, तो हमें बुलाया, धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बी एच सैनी, राजस्थान शिक्षक संघ, बी एच सैनी, प्रेजेंट नहीं है सर। नहीं है, नहीं है। अच्छा, सुभाष गोयल, नमस्कार साहब। नमस्कार, मैं सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ एम प्रदेशाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स राजस्थान। सर्वप्रथम तो हम व्यापारियों की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने कोरोना पे विजय प्राप्त करी है, पूरे भारत में आपका नाम हुआ है, इसके लिए तहे दिल से हम सब व्यापारी आपके आभारी हैं। साथ ही व्यापारियों ने समय समय पर लाखों की संख्या में जयपुर व्यापार महासंघ ने मास्क वितरण किया है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की है। और एक बात और बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण, कि हमने हर दुकान के बाहर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, जो कि हर दुकान के ऊपर है, और इसकी पालना कड़ाई से करवा रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ लोग हमारे ढीले हो गए थे क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन हम पुनः अभी हर दुकान के ऊपर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। साथ ही आपकी एडवाइजरी जो कि सरकार द्वारा दी गई है कि नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइज का अन्य उपयोग की सभी चीजों की हर दुकान के बाहर हमने बोर्ड के रूप में लगा दिया है, उनकी पालना सख्ती से करवा रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने एक बात और बताएं कि पूरे कोरोना काल में खाने की पूर्ति में कहीं कमी नहीं आने दी, चाहे रिटेलर से छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, चाहे कर्फ्यू एरिया हो, चाहे कंटेनमेंट जोन हो, सब में हमारे व्यापारियों ने पूरी सप्लाई दी है। साथ ही उचित रेट पे एक पैसा भी फालतू नहीं लिया, ये मैं सभी व्यापारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही निःशुल्क हम लोगों ने भोजन करवाया, निःशुल्क सूखे पैकेट दिए, जहां आवश्यकता हुई वो भी हमने पहुंचाया। लेकिन मैं एक और धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन ने भी बहुत ही अच्छा सेवा भाव से काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया, व्यापारियों ने किया, और हर सीएलजी मेंबर्स ने किया, हर समाज के योग्य व्यक्तियों ने किया, हर एनजीओ ने किया, और मोहल्ला समितियों ने कहा। लेकिन एक साथ में मेरा यह सुझाव है कि जो पहले कम हो गया था, अब बीच में बिल्कुल कम हो गया, इन सब का सहयोग मिलना चाहिए। इन लोगों को अवेयर करिए कि जैसे आपने पहले हमारा सहयोग किया, जनता का सहयोग किया, पुनः उसी प्रकार से सहयोग करें। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखे, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, उसको टोकिए कि भैया आप बिना मास्क के आए हैं, मास्क लगाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। बिना मास्क के हम किसी को भी एंट्री ना तो देंगे और ना ही उसको माल देंगे। साथ ही एक बहुत अच्छी पहल करी है कि 45 साल के ऊपर के लोगों को अवेयर करने के लिए हमने हमारे कैंप लगवाए हैं। जयपुर व्यापार महासंघ ने विभिन्न जगह कैंप लगा करके लोगों को अवेयर किया है। हमारे परिवार के अलावा भी हमने ग्राहकों को, जनता को भी अवेयर करके और उनसे वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। और हम ये और चाह रहे हैं कि आगे भी हम यही चाहेंगे कि हर जो भी व्यापारी या जो भी ग्राहक हमारे बाहर से आएगा, उसको यही पूछेंगे कि भैया आपने वैक्सीन लगा लिया क्या। हम ये कहेंगे कि वैक्सीन नहीं लगाए तो प्लीज जाके लगवाइए, अगर हमारी मदद हो तो हम लगाएंगे। वैक्सीन बहुत ही जल्द लग रहा है, उसमें समय भी नहीं लग रहा और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हम व्यापारी हर ग्राहक को ये बात भी समझाएंगे। साथ ही एक बात और आ रही है बार बार कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए,
मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन दुकानें ज्यादा समय में बंद करना साहब उचित नहीं है, वरना क्या होता है कम समय रहता है तो लोग अधिक भीड़ होती है, और अधिक भीड़ होती है तो नेचुरल उसको रोक नहीं सकते, आवश्यकता की चीज उसको लेनी ही पड़ेगी चाहे कहीं से भी ले। अगर समय कम रहेगा तो निश्चित ही एक जो 12 घंटे में परचेज करता है वो 6 घंटे में करेगा, तो 6 घंटे में ही 12 घंटे के लोग आएंगे। कुछ बातें ऐसी भी आ रही है कि शनिवार को रविवार को लॉकडाउन किया जाए, साहब अभी टूरिस्ट मार्केट में है ही नहीं बिल्कुल, तो ना शनिवार को भीड़ है ना संडे को भीड़ है। तो हमारा कहना है कि ये जो समय है बहुत ही उचित समय है, लेकिन हम ये चाहेंगे जैसे कुछ जगह हटवाड़े बढ़ते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, हमको स्वयं को समझना होगा, हर व्यक्ति को समझना होगा कि ये पीड़ा हमारी है, ये सरकार की पीड़ा नहीं है, ये बीमारी हमारी है। आज हमारे तकलीफ होगी तो सरकार तो मदद करेगी लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हमको होना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को समझना होगा कि हम इसके प्रति जागरूक रहें, और हर समाज को हर एनजीओ को इसमें आगाह आना पड़ेगा जैसे पहले आए थे। ये अभी बीमारी गई नहीं है, पहले से अधिक संख्या में लोग इसमें सहयोग करें, अपना पूरा योगदान दें। साथ ही बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए किसी प्रकार का भी। एक और साथ में एक निर्णय आपने बहुत अच्छा किया था कि राजस्थान के अलावा सभी जगह कर्मचारियों का पलायन हुआ, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे कम मजदूरों का पलायन हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, और जो भी इंडस्ट्रीज थे सब लोगों ने इसका भरपूर सहयोग किया उनका। हमने पूरा लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे बिजली के बिल भी दिए, हमारा भाड़ा भी दिया, हमने हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह भी दी, और एक भी कर्मचारी को कहीं तकलीफ आने नहीं दी। ये आपके सहयोग से हम लोगों ने किया है और आगे भी हम पूरी तरह से करने में सक्षम है और करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आज मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के जितने भी लोग हैं पूरे सक्षम है, और हमारा हर व्यापारी सक्षम है कि इस कोरोना पे जैसे विजय प्राप्त की थी और आगे भी 100% हम विजय प्राप्त करेंगे, ये हमारा वादा भी है और हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके सहयोग के साथ हैं। मैं सुभाष गोयल, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। हमारे जो इंटक के लोग हैं, घासीलाल शर्मा जी। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, पिछली बार जो आपने इसमें महामारी की उसमें जो कामयाबी पाई है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनको वैक्सीन लगाना बहुत अनिवार्य किया जाए ताकि कोरोना महामारी कम से कम फैले, और गृह विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वो सख्ती से मास्क की पालना और डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए। और राजस्थान इंटक हमेशा सरकार के साथ रही है और हमेशा साथ रहेगी, जो आप निर्देश देंगे उसकी पालना करेंगे। धन्यवाद। BMS आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, नमस्कार। नमस्कार सर, और नववर्ष की शुभकामनाएं, साथ में अंबेडकर जयंती की भी शुभकामनाएं सर आपको भी। इस कोविड में जो आप सर ये VC के द्वारा जनता से और मजदूर संगठनों से धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी पहल है। भारतीय मजदूर संघ इसका स्वागत करता है, और हम निवेदन आपसे ये करना चाह रहे हैं इस कोविड में कि इस कोविड काल में डिसिप्लिन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमारे चिकित्सक बंधुओं ने भी ये कहा कि पिछली बार जब कोविड था तब उसमें खतरा कम था पर डर लोगों में ज्यादा था, अब की बार खतरा ज्यादा है पर लोगों के बिहेवियर में डर कम है। तो इस डर को जो अभी अपन समय सीमा की पाबंदी वगैरह अपन ने जो इम्पोज कर रखी है उसको हम बढ़ा सकते हैं और आवश्यक सेवाओं को उसमें अलाउ कर सकते हैं, तो इसमें सख्ती की आवश्यकता है। साथ में इसमें एक निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि जैसे सरकार जो कोविड के संबंध में आदेश निकालती है, जैसे अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 75% का निकाला हुआ उपस्थिति का, पर उसकी पालना कहीं नहीं हो रही। जो पहले 50% का था वो हम आदेश ला सकते हैं वापस से, डे टू डे 50% लोग आए तो उससे ज्यादा एक अच्छा माहौल बन सकता है। प्रवासी मजदूरों के लिए जो विषय है तो उस तरह से जो अभी
मजदूर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ राजस्थान में सभी क्षेत्रों में उद्योगिक क्षेत्रों में, उनकी भी हम समय से सुरक्षा दें, उनका रोजगार की सुरक्षा रहे, उनकी आवश्यकताओं का हम ध्यान रखें, इस तरह का हमारा सरकार का एटीट्यूड में बिहेवियर होना चाहिए। इसमें एक उपाय और किया जा सकता है कि पहले अपने सरकारी कार्यालयों के अंदर कोविड के टेस्ट करवाए गए थे, तो वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए सरकारी जो बड़े जयपुर में बड़े मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर हम ये वैक्सीनेशन भी सरकारी परिसरों में परमिशन में भी आयोजित कर सकते हैं सर, ऐसा मेरा एक सुझाव आपके निवेदन में है। और जनता में इस बीमारी का डर पैदा करने के लिए कुछ सख्त कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए, ये हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से निवेदन कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने पिछली बार भी कोविड काल में बहुत से सेवा कार्य किए थे, आगे भी जो भी सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं और अगर कोई और भी सख्त कदम सरकार उठाएगी, भले वो धारा 144 लगाना हो, रात को पाबंदी का समय बढ़ाना हो, उसमें भी हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं और पूरा सहयोग और समाज के साथ सहयोग करेंगे। जय जय भारत। धन्यवाद भैया। रविंद्र शुक्ला जी, CPM चीटू। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके कोविड को लेके जो परिचर्चा हो रही है, समय समय पर आप बुलाते रहे, सलाह लेते रहे, लगभग सभी क्षेत्रों से सुझाव आ चुके हैं आपके पास। पूरे राजस्थान के संगठन और जनता भी आपका इस काम में सहयोग करना चाहती है। और जहां तक कोविड 19 के प्रबंधन का सवाल है, आपके कुशल प्रबंधन की प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री ने भी की है, वो रिकॉर्ड में है। केवल कुछ बातें जो आपकी या तो अधिकारियों के द्वारा लाई नहीं जाती आपके माध्यम से, कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, ये जो स्लोगन है सर, ये सरकारी संस्थानों में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर कहीं भी प्रबंध नहीं है पर्याप्त। जब सैनिटाइजर ही नहीं है, उतनी समझदारी अभी जनता में विकसित नहीं हुई है कि वो खुद खरीद के जेब में सैनिटाइज रखे, मास्क रखे। चालान एक आपने स्वयं कहा है कि चालान सरकार करना नहीं चाहती, चालान की स्थिति पैदा नहीं करना चाहती, समझदारी चेतना की स्थिति पैदा करना चाहती है। वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे लगातार प्रयत्नों से वो होगी। मैं एक और पहलू जो आज का विषय नहीं है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं सर। हमने राजस्थान के श्रम मंत्री जी के माध्यम से आपसे निवेदन किया था कि आप सरकार आने के बाद करीब करीब समाज के और हर वर्ग से मिले, सिवाय मजदूर और श्रम संगठनों के, उनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई। वायदा जरूर आपने किया था और आपको शायद याद होगा कि आपकी सरकार आने में राजस्थान के मजदूर श्रमिक संगठन का बहुत बड़ा हाथ है मजदूर आंदोलन का। पिछली सरकार ने जो राजस्थान को प्रयोगशाला बनाया श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन करने का, मुझे याद आ रहा है आप स्वयं का बयान हमारे फाइल में रिकॉर्ड पर है कि आपने बयान देकर यह कहा था कि लोकतांत्रिक राज्य में बिना दोनों पक्षों को सुने इस प्रकार के कानून में परिवर्तन करना ठीक नहीं है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं तमाम मजदूर संगठनों की तरफ से सर कि एक तो थोड़ा समय निकाले, ये ठीक है कोरोना बीच में ठीक हो गया था फिर आ गया, आपकी कई प्राथमिकताएं, कुशल राजनीतिक नेतृत्व का आपने परिचय दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के जब आपका बयान छपता है सांप्रदायिकता के खिलाफ, आपका बयान छपता है लोकतांत्रिक अधिकार, जो धरना प्रदर्शन जब होते हैं राज्य में, आपका बहुत अच्छा बयान आया था कि ये हमारे लोकतंत्र के गहने हैं, अभिव्यक्ति के विचार की आजादी, उनको सुनने का जितना ज्यादा माध्यम संवाद की प्रक्रिया को आप मजबूत करेंगे, ये बड़ा दुखद है कहते हुए गहलोत साहब कि इस बार आपकी सरकार ने राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल, राजस्थान स्थायी श्रम समिति सहित जो विभिन्न उद्योग सेक्टर में जो प्रमुख ज्वलंत कमेटियां हैं उनका अभी तक गठन नहीं हुआ है। ये वही परंपरा है वसुंधरा सरकार भाजपा वाली,
जो बंद की थी आपने शुरू की, अब इस बार आपके सरकार में पता नहीं क्या कारण है। जहां तक मेरी जानकारी है सर, जनवरी 2019 से ही वो तमाम फाइलें श्रम विभाग द्वारा राज्य मंत्री जी के अप्रूवल से आपके समक्ष स्वीकृति के लिए पड़ी है, और सीएमओ में वो 1.5-2 साल से पड़ी है। आपकी सरकार, आप स्वयं कहते थे कि हमारी सरकार जो है गहलोत सरकार मजदूरों के प्रति संवेदनशील है। ये संवेदनशील का उदाहरण नहीं है सर, 1.5-2 साल जो है फाइलें आपके यहां केवल आपके सिग्नेचर से पड़ी है। आज कोई ऐसा सलाहकार मंडल नहीं है जो राजस्थान की सरकार को ये सलाह दे सके कि हमारे राज्य में बेहतर अच्छे औद्योगिक श्रम संबंधों के निर्माण के लिए और राजस्थान के औद्योगिक प्रगति के लिए। कभी भी उद्योग और विकास का गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है सर, पूरी दुनिया में आप स्वयं जानते हैं अच्छी तरह से, आप कहते भी है कि जो सृजन करता है वो मजदूर का श्रम है। आज दोनों के ऊपर हमला है सर, जो अन्नदाता है देश का उसकी हालत आप अच्छी तरह हमसे ज्यादा जानते हैं, आप समय समय पर रिएक्शन देते हैं, निडर होके देते रहे, लेकिन दूसरा पक्ष मजदूर है सर। अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भिवाड़ी में राज्य सरकार ने जैसा अखबार में आया था, असलियत क्या है वो आपकी जानकारी में है, कि आपने राज्य सरकार ने भिवाड़ी को वृहद औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला लिया है। बहुत अच्छा निर्णय है सर, क्योंकि उस इलाके में अभी बंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली सबसे आगे विदेशी और देशी पूंजी का निवेश हो रहा है नीम राणा औद्योगिक क्षेत्र में। विभिन्न देशों की वहां संपत्तियां निवेश आ रही है, लेकिन एक बात आपको इंश्योर करना चाहिए कि अगर भारत में अमेरिका की कंपनी आके काम कर रही है तो कानून तो भारत के लागू करेगी। तो हमारा सुझाव है आपसे सर कि नीम राणा व भिवाड़ी क्षेत्र के लिए सभी श्रम संगठनों को मिला के, जो नियोजक संगठन है उनको भी विश्वास में लेके एक त्रिपक्षीय कमेटी आपको विशेष तौर से नीम राणा क्षेत्र के लिए बनानी चाहिए सर। जहां तक मेरी जानकारी है सर कि जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो बोर्ड है उसके आप और मुख्य सचिव साहब दोनों उसके सदस्य हैं राजस्थान से, ऐसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी वहां के भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उसके मेंबर हैं। ये आपको इस पे विचार करना चाहिए कि कम से कम राजस्थान के नीम राणा क्षेत्र में तो कम से कम एनसीआर रीजन में एक समान न्यूनतम वेतन होना चाहिए। जो वेतन दिल्ली एनसीआर कैपिटल में है वो वेतन दिल्ली से 50-60 मील दूर जो है राजस्थान के नीम राणा क्षेत्र में नहीं। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में आपको सोचना चाहिए सर। आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति मैं जानता हूं, तो मेरी भी 75-76 साल उम्र हो रही है, मैं मजदूर आंदोलन में लगातार रहा। अब तो कोरोना, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं सर कि राजस्थान में भी न्यूनतम वेतन पर विचार कीजिए। आपने जो पहली सरकार में सिलसिला शुरू किया था हर जनवरी को वेतन बढ़ाने का, जो महंगाई के आंकड़े आते थे उसके आधार पे आप बढ़ाते थे, हालांकि वो महंगाई भत्ते की जो दर थी वो 1 रुपए राजस्थान में जब 20 रुपए न्यूनतम वेतन था सबसे चली आ रही है सर, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मेहरबानी करके राजस्थान में न्यूनतम वेतन के लिए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 7वें वेतन आयोग ने कहा है सर, वो उस आधार पे आपको एक ट्राइपार्टाइट कमेटी बनानी चाहिए जो कम से कम न्यूनतम वेतन पे विचार करके आपको सुझाव दे। सबसे ज्यादा ले रहा हूँ शुभ्रा जी, अभी मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि आपने बुलाया भी 2 साल से उसी तरह के परिणाम आज कसर मत निकालो पूरी आपको और अलग बनाऊंगा। नहीं कसर के नहीं सर, हम मजदूर वर्ग जो है हमेशा वो व्यापक राजस्थान प्रदेश की जनता की इतनी बात करता है सर,
अभी भावना समझ गया, मैं आपकी भावना समझ गया, मैं आपको अलग बोलूंगा। अभी क्या अभी कोविड का मामला है, सब सब लोग बैठे बात करना चाहते हैं, आपके साथ है कोविड में, लेकिन मैंने मालूम है, अलग स्थिति आपको बताइए, मालूम मुझे मालूम है, बोलूंगा अलग व्यवस्था। आप स्कूलों को निर्देश देते हैं, स्कूल का हेडमास्टर कहां से लाएगा रोजाना इतने मास्क, कहां से लाएगा सैनिटाइजर, कहां है फंड? ठीक है मैम, ठीक है। तो ये थोड़ा जमीनी धरातल की तस्वीर जितनी ज्यादा आपको मिलेगी गहलोत साहब, हाँ रही बात, उतना ही ज्यादा आपको शासन के संचालन करने में फायदा होगा। अच्छे से सुझाव दिया आपने, मैं बोलूंगा, हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी लगी हो या विषय से हटके लगी हो, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। चाहता हूँ सर, आप जरूर सभी श्रम संगठनों को इंटक की भी कभी कभी सुन लिया, अरे ये आपके ही संगठन है सर, मालूम है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा आपके, मैं 35-40 साल आपको जानता हूँ, बड़ा अच्छे विचार आपके हमेशा रहे हैं, अच्छा लगा, धन्यवाद। सुशीला बोरा जी, नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर। सुशीला बोरा जी नहीं पता रहे सर। किशनलाल जी गर्ग नहीं पता रहे सर, किशनलाल जी गर्ग नहीं पता। कौन पता रहे बता, वो बोल दे कोई, कौन बोलेगा आप में से? बोरा जी कौन चोपड़ा? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार, मैं उमेश लीला, जिलाध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जैसा कि अभी जानकारी मिली कि द्वितीय दौर बहुत खतरनाक है, बहुत ही भयानक स्थिति है, परंतु जिस तरह से आपने पूर्व में बैंकर स्थिति होने के बाद में जो आपके योगदान से जिस तरह से इतिहास रचा गया था, चाहे आपने सीटी स्कैन की रेट्स कम की पहले करवाई थी जो कि शुरू में बहुत ज्यादा थी, हॉस्पिटलों की रेट्स भी कम करवाई थी आपने, टेस्टिंग रेट्स जो सबसे भयंकर थी उसमें भी काफी आपने सुधार करवाया था, और हर तरह से आपके योगदान से एक इतिहास रचा गया था जो कि वाकई इतिहास में हो गया था, अभी आपके प्रयास से एक जबरदस्त अचीवमेंट हुआ। मैं उद्योग जगत की तरफ से बात करना चाहूंगा कि आपके पिछली बार भी प्रयास से जोधपुर के अंतर्गत न तो कोई आमजन भूखा सोया, कोई इंडस्ट्री भी बंद नहीं हुई, आपने कैसे ही समाधान करके, चाहे मजदूरों के आगमन की बात थी उनकी भी आपने व्यवस्थाएं की, तो हम उसके लिए आपको साधुवाद भी देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी आपका जो भी मार्गदर्शन होगा औद्योगिक संगठन, हम इंडस्ट्री की तरफ से आपके मार्गदर्शन की पूरी पालना करेंगे। हम लोग हालांकि पूरी पालना कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्रियों में किसी भी कोई भी सैनिटाइजर की बात हो, मास्क की बात हो, हम लोग पूरी उसकी पालना कर रहे हैं, परंतु कुछ एक बातें हैं जिस तरह से अभी ये ज्यादा फैल रहा है, कुछ जहां तक जानकारी में आया है कि होम क्वारंटाइन से लोग हो रहे हैं वो कुछ ये देखने में आया है कि मोहल्ले में विचरण कर रहे हैं, घर से बाहर घूम रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सुधार अगर हो जाए, हालांकि मैं जोधपुर के जिला प्रशासन और पुलिस को भी साधुवाद देना चाहूंगा और माननीय जिला कलेक्टर की तो तारीफ ही करना चाहूंगा कि अति संवेदनशील है, बहुत ही भयंकर रूप से कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी आपके मार्गदर्शन में काम करें तारीफ देना चाहूंगा। साथ ही एक समस्या और है जोधपुर में अभी जो देखने में आ रहा है कि जो मरीज पाली बालोतरा से आ रहे हैं आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राइवेट हॉस्पिटलों में अवेलेबल नहीं है। कल भी बालोतरा से एक परिवार आया था, भयंकर स्थिति थी, हम लोगों ने काफी प्रयास किया, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा था, इसके ऊपर आपका थोड़ा ध्यान रखना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन से यह व्यवस्था हो सके। उसके साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके, हालांकि आपने काफी बंदिशें की है, आपने काफी गाइडलाइन भी बनाई है, परंतु आज भी जो उनके चार्जेज हैं वे वाकई काफी ज्यादा है, आम आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसके लिए भी मैं आपका निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि इसमें भी आपके मार्गदर्शन में थोड़ा अगर रिलीफ मिल जाए तो अच्छा होगा। बाकी जिस तरह से पूर्व में आपने जो व्यवस्थाएं कराई थी, चाहे भोजन की बात हो, मास्क की बात हो, हम भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में कोई भी कार्य होगा हमारा औद्योगिक संगठन सदैव तत्पर है, आपके आदेश की जैसे पूर्व में भी पालना हुई थी आगे भी पालना होगी, और हमें विश्वास है जिस तरह से आपने पूर्व में इतिहास रचा था उसी तरह वाकई निश्चित रूप से ऐतिहासिक नया कायम होगा, और इसके लिए आपके लिए दो शब्द भी कहना चाहूंगा कि है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं,
कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो इतिहास रचाया करते हैं, आप ही ऐसी शख्सियत है जिसने पिछली बार कोरोना में इतिहास रचाया, उसी की बात ही आप निश्चित रूप से समाधान करेंगे। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू। आपका राजेंद्र प्रजार जी, मंडोर मंडी खाद्य प्रदान, आज वो राजसमंद रुक गए। नमस्कार अशोक जी, तो कोई आपने कोई बोलना चाहेगा? नमस्कार अशोक जी, बोलिए आप। कोरोना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो सराहनीय है, और मंडोर मंडी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्यापारी वर्ग आपके हर निर्देशों की पालना करेगा। जैसा कि पूर्व में आपके निर्देशों अनुसार मंडियां चालू रखी गई थी, खदान का सप्लाई चालू रखा गया था, इसी तरह आगे भी किसी भी तरह की आपदा आने पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि शहर में कभी खाद्यान्न की कोई कमी ना आएगी, न ही उनकी कीमतों में अनावश्यक वृद्धि की जाएगी। माननीय आपके विधानसभा क्षेत्र की मंडी होने के नाते हमारा ये विशेष दायित्व बनता है कि इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, आपके इस स्लोगन की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा निर्देश की पालना की जाएगी, और खदान के पैकेट और भोजन सामग्री आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं यहाँ पर? मैं श्याम कमल जोधपुर से। सर्वप्रथम तो आपको मैं आपके एक्शन से, प्रोएक्टिव एक्शन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपकी जो प्रोएक्टिव एक्शन से पहले भी बहुत जोधपुर बचा, और अब के आपके जो प्रोएक्टिव एक्शन से जो हमें संबल मिलेगा, हम उद्योग जगत और एनजीओ के ग्राउंड से हम डेफिनेटली आपके साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। मैं इस कोरोना के लिए एक दो शब्द कहना चाहूँ कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुद कोरोना आपसे पूछे कि मास्क और डिस्टेंस यदि है तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपने सर नमस्कार। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जोधपुर वाटर मर्चेंट एसोसिएशन से महेश मेहता। कोरोना की इस जंग में हम लोग सरकार के साथ हैं, और लगातार कैंप मोटर मर्चेंट एसोसिएशन में टेस्टिंग के भी चलते रहे, और अभी टीकाकरण कैंप भी हुआ, अस्पताल की सुविधा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही अनुरोध है कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व, 1000 सदस्य हैं करीब जोधपुर मोटर मर्चेंट एसोसिएशन के जो छोटे व्यापारी हैं, उनको भी ध्यानस्थ रखा जाए। जैसे कोविड की मार छोटे व्यापारी, छोटे मिस्त्री या छोटे जो कामगार हैं उन पर कम से कम पड़े, और सारी पालना करने के लिए हम लोगों ने नो मास्क नो एंट्री और वो सारे बोर्ड्स वगैरह बनाए और लगाए, पहले भी हैं और अब भी उसकी तैयारियां हैं पूरी। और कोशिश ये रहेगी कि व्यापारिक समय के अंदर ग्राहक को भी प्रेरित करके मास्क का पालन या सैनिटाइजर का जो भी है वो किया जाएगा। और आपसे एक बार पुनः ये भी अनुरोध है कि क्योंकि हम लोग मोटर मर्चेंट में लंबे समय से चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि भाई जो भी दवाई है कोरोना में 5 या 6 दवाइयों का जो पैकेज दिया जाता है, वो अगर जो भी हमारे क्वारंटाइन बंधु घर पे हो जाते हैं उनको पहुंचाया जाए, ताकि दवाई के लिए उनको इधर से उधर नहीं जाना पड़े। अगर हम बैरिकेटिंग करते हैं तो दवाई घर पे पहुंचनी जरूरी है। बाकी आपके प्रयास और आपका सदा जोधपुर की तरफ ध्यान रहा है, उसका मैं मोटर मर्चेंट एसोसिएशन से आपको धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। नमस्कार सर। हेलो, कोमल कोठारी जी उदयपुर, कोमल कोठारी उदयपुर। हंसराज जी चौधरी बैठे हैं। सर नमस्कार, हंसराज चौधरी बोल रहा हूँ सर, उदयपुर चैम्बर से। बोलिए बोलिए सर। अब सबसे पहले तो सर बहुत आपको बधाई कि उदयपुर का जो टारगेट है, अभी देखा है कि बहुत सारा चीजें बढ़ रही है, तो प्रशासन ने भी पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी सख्ती तो यहाँ करी हुई है सर, आपके निर्देश का पालना हो रही है,
लास्ट ईयर भी हमने खूब मेहनत की थी और सब लोगों ने की आपके तत्वाधान में। आपको याद होगा सर, उदयपुर संवाद जब किया था तब मैं ही था सर इसको डील करने में। हाँ, और अभी सर सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, एकदम से लॉकडाउन की तो आवश्यकता नहीं है सर, लेकिन सख्ती की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर। और उदयपुर में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो समय सीमा जो बढ़ाने से तो फर्क नहीं पड़ रहा सर, 5 बजे या 6 बजे, 5 बजे और 6 बजे करने से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका किसी तरह से नया कोई सोल्यूशन निकले कि लोग बाग में थोड़ा सा भय आ रहे, लोगों में खुद की अवेयरनेस चाहिए सर, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है सर, इंडस्ट्री को कोई हार्म नहीं हो, इंडस्ट्री जरूर चलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है सर इंडस्ट्री का नुकसान बहुत बड़ा हो गया था, और हमको सब मजदूरों का जो माइग्रेशन होता है वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है उसको कंट्रोल करना, और बाहर के और राजस्थान के तो सारे मजदूर सर महाराष्ट्र और गुजरात में गए हुए हैं। अगर कहीं से भी ये थोड़ी सी खबर बढ़ती है तो उससे थोड़ी सी अफरा तफरी और ये इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। बस हमको कंट्रोल करना है, कड़क निर्णय लेने चाहिए सर, लेकिन इसको कंट्रोल के साथ में आपको इकोनॉमी की तरफ से भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सर मार्केट अभी पिटा हुआ है। आज भी हम इकोनॉमी में बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि कितनी इंडस्ट्री चली लेकिन आज भी 50% 60% पे ही हमारी ग्रोथ है सर। तो मार्केट को देखते हुए ये स्थिति को भी आपको देखना है सर, क्योंकि चुनाव जहां हो रहे हैं अपन वो मेहनत कर रहे हैं, वहां भी थोड़े आंकड़े कम है, लेकिन जहां दूसरी जगह आंकड़े नहीं ज्यादा है, तो मतलब हमारे यहाँ आपको जितने ज्यादा टेस्ट करवाने हैं सर, तो टेस्ट में जितनी ज्यादा भीड़ पड़ती है वहां जितने लोग होते हैं वो भी कोई ना कोई पॉजिटिव होता है, तो वहां भी कोई कोई सर इसके सेंटर्स बढ़ाने चाहिए, ताकि भीड़ कम से कम उन सेंटर्स में, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव होता है सर, वहां अगर 8 नेगेटिव भी हैं तो वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरह का कहीं ना कहीं हमको सेंटर्स बढ़ाने चाहिए, और इसकी जो आपकी टेस्टिंग है वो बढ़ानी चाहिए। बाकी प्रशासन पूरा अच्छी कंट्रोल कर रहा है सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा अभी जो जिम्मा उठाया है सर, और देश में हमारा रोल मॉडल के रूप में आपको देखा गया है और हमेशा तारीफ करते गए। थैंक यू भैया, थैंक यू, आप सबने सेव अच्छा किया पिछली बार भी। महेश्वरी जी कोटा, सेक्रेटरी कोटा व्यापार मंडल अशोक महेश्वरी बैठे हैं, कोटा अशोक महेश्वरी। नमस्कार साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी जो व्यवस्था है राजस्थान में चल रही है और जिस ढंग से कोरोना फैल रहा है उसके कंट्रोल करने के लिए आप लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं सरकारी स्तर पर, लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि पिछले लॉकडाउन में कोटा की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी है। कोटा में 10 महीने तक, क्योंकि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था कोचिंग पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे पिछले 10 महीने से ऐसा कोई बिजनेस नहीं है राजस्थान में जो पूरी तरह लॉकडाउन रहा। कोचिंग व्यवसाय जिसमें हजारों करोड़ का निवेश हॉस्टल वगैरह में हो रहा है और उससे कोटा के सारे व्यापार धंधे चलते हैं, 3 से 4 लाख लोगों का रोजगार उससे होता है। तो हमारी यही अर्ज है कि हम हॉस्टल व्यवसायियों को और यहाँ के व्यवसायियों को हमने पूरी तरह पाबंद कर रखा है, पूरी सावधानी हम लोग बरत रहे हैं। आपसे यही निवेदन है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी कोटा की बहुत गंभीर स्थिति में है, और उसको बनाए रखने के लिए आप सहयोग करें। कोटा व्यापार महासंघ उसके लिए सहयोग कर रहा है। हमने कम से कम 1 तारीख से लेके और अभी 13 तारीख तक 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंप लगाए, साथ ही हमने पूरी कोरोना काल में कोटा में लाखों पैकेट, यहाँ 150 हमारी व्यापारिक औद्योगिक संस्था है, पूरे कोरोना काल में लाखों पैकेट खाने के, राशन के, सैनिटाइज मशीनों के ये हमने बांटे हैं। और ये जो बढ़ रहा है कोरोना, उस पर हमारी आपसे एक ही अर्ज है कि इसका जो मुख्य कारण है, हम व्यापारी हमारे प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार से मास्क के बिना नहीं आने देंगे, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहाँ जो भीड़ हो रही है वो भीड़ कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा कारण है। जो आज प्राथमिकता सरकार की, जैसे आज हेलमेट के चालान बनाए जाते हैं, पुलिस का दूसरी चीजों में पुलिस इन्वॉल्व रहती है, उसकी जगह प्राथमिकता कोरोना में जो अगर मास्क पहन के नहीं आता है, अगर उसको कुछ पनिशमेंट भी दिया जाए बाजारों में, तो हम लोग उसके लिए तैयार है। और हमने मास्क बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग से पूरी जन जागृति शहर में चालू कर रखी है। एक और अर्ज मैं करना चाह रहा हूँ सर आपसे कि जो आज जांचें होती है उसकी 3-3 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती है, उसके कारण जांच वाला अपने परिवार में रहता है तो पूरा परिवार उससे संक्रमित हो रहा है,
और कोटा में बहुतायत में ऐसे केस की हम देख रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। हम लोग पूरी तरह से आपको सहयोग करने के तैयार है, आपके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप जनता से जिस तरह से जुड़े हुए हो, धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पहले भी आपने अच्छा सहयोग किया था, पिछली बार भी सहयोग अच्छा किया सबने, आपने कमी नहीं रखी। अभी कोटा में बहुत संख्या बढ़ रही है जी, कोटा की हम सबको चिंता है जी, और हम सब मिलके उसको पार पाएंगे। हम भी आपके साथ हैं साहब। अच्छा, ये मौलाना फजल हजरत साहब बैठे हैं, उनके आगे कौन बैठे हैं? मुझे आप बहुत 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 धन्यवाद। नहीं नहीं, इनसे आगे आगे साहब आगे बैठे, इनसे बोल रहे पहले, आप पहले बोले थे एक बार, नहीं बोल तो सब नहीं करेंगे। काजी साहब बोले, जनाब अली चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो बीमारी आई है, ये बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के एक तमाचा है जो कुदरत ने दिया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि आज आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं ये काबिले तारीफ़ हैं, और वैक्सीनेशन वगैरह और ये जो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूरी हैं। इसके लिए हमने बाकायदा कलेक्टर साहब की मीटिंग में बैठे, उसके बाद उन्होंने जो भी जो गाइडलाइंस की, हमने शहर के सारे आलिमों को, उनके ज़िम्मेदारों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को बुलाया, और चूंकि ये महीना रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें इबादत का महीना है, हमने लोगों को बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया और उसमें बहुत सारी शराइत उसमें रखी कि आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर दी ताकि इस महाबीमारी का हम मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये किसी एक की नहीं, ये सबका जिम्मेदारी है, सब मिल करके इस जिम्मेदारी को पूरा करें और इस महाबीमारी से निजात पाने के लिए करें। दूसरी मेरी एक और रिक्वेस्ट है जो मैंने अपनी उस मीटिंग में की थी कि हमारे जितने मजहबी रहनुमा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ दवा का ही काम नहीं, दुआ का भी काम है, अपने अपने आस्था के मुताबिक उस ऊपर वाले से दुआ भी करें, उसके साथ गिड़गिड़ाएं कि खुदा ने जिस बीमारी को दिया है इसको दूर करे, और इसी के साथ साथ ये लॉकडाउन वाली जो बात चल रही है इसको मुकम्मल न करें बल्कि इसको आंशिक रूप से करें ताकि लोगों की जो व्यवस्था है वो बिगड़े नहीं, और किसी किस्म का न प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वो ज़्यादा जो चार्जेस लेते हैं उनके ऊपर भी कोई पाबंदी लगाई जाए ताकि मरीजों को राहत मिले, यही राहत हमारे लिए कारगर होगी, खुदा हमें इसको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। राजस्थान के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आपकी खिदमत में बहुत बहुत आदाब। पिछली मरतबा आपने शानदार इंतजाम किया, उसका पूरी दुनिया में आपके लिए दुआ की गई, और धार्मिक गुरुओं ने के जरिए जो आपने अपील की है उसका बहुत अच्छा असर पूरे राजस्थान बल्कि पूरी मुल्क में गया है। आज यहाँ जितने धार्मिक गुरु बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा आपके इस विषय के जरिए कि धार्मिक गुरुओं का बड़ा महत्व है कि हम लोगों ने भी हमारे शेख काजी साहब के साथ मिलकर और मुफ्ती आजम राजस्थान जोधपुर और दरगाह से रब्ता करके एक दिन पहले ही रमज़ान से पहले हमने सब जगह अपील करवाई, उसको प्रिंट मीडिया में छपाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरी अपील भी आई कि हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि मास्क लगाए बगैर हम अपनी इबादत गाहों में ना आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इसका पूरा पूरा ख्याल किया जा रहा है। और उसमें ख़ास तौर पर लिखा है कि जान है तो जहान है, अगर हमारे साथ हमारी ज़िंदगी है तो फिर दुनिया है, इबादत है, और अगर ज़िंदगी नहीं तो सब बेकार है। आपने राजस्थान के मुखिया के एतबार से जो शानदार काम किया, सिर्फ इस बात के लिए मुबारकबाद नहीं बल्कि आपके दिल में जो इंसानियत का दर्द है, कोई भूखा ना सोए, वो बड़ी भी खिदमत थी आपकी, इसके लिए बड़ी बहुत दुआएं आपको मुझे राजस्थान से मिली है। इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से लोग रोज़गार की वजह से परेशान रहे तो जो मोहब्बत, जो इंसानियत और जो खर्च लोग करते थे लोगों की इमदाद के लिए, इस वक्त मुझे वो कमी महसूस हो रही है। तो मैं धार्मिक गुरुओं से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपील करें कि लोग इस तरह मानवता के लिए साथ आएँ और लोग इसी बीमारी के अंदर उनका साथ दें। और आपसे गुजारिश मेरी आखिर ये है
कि सामाजिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, मजहबी लिहाज से हम ऐसा माहौल बना दें राजस्थान का कि लॉकडाउन तो ना हो मगर लोगों में डर पैदा हो जाए कि लॉकडाउन जैसा माहौल पैदा हो गया है, ताकि हमारे अंदर डर पैदा हो। चूँकि इस वक्त जो है बीमारी बड़ी है मगर डर नहीं है, ये डर पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको सेहत याब रखे और इसी तरह आप इंसानियत की खिदमत करते रहें। खुदा हाफिज़। शुक्रिया आपका। ये संजय शर्मा जी, महंत जी, मथुरा जी, मथुराधीश मंदिर सर आते वो चले गए सर, आप बोलना चाहें, कोई बोलना चाहिए, बोलिए कोई बोलिए। मुख्यमंत्री साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है सावधान रहने का, जो महामारी कोरोना का बहुत ज़्यादा रोग फैल रहा है उसमें सावधान रहने का आपने जनता को बहुत बड़ा संदेश दिया है। हम सबको यही अपील करते हैं कि जो आप जी बोल रहे हैं आपके संदेश की हम पालना करें। हर नगरों में, कस्बों में जो लोगों में एक वहम पड़ता है वैक्सीन लगाने का, किसी में बुखार आता है लोग डरते हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपके आगे ऐसा कोई अपना अधिकारी होवे हम उनके साथ जाके गांव में जाके इसमें समझाएं कि वैक्सीन का कोई खतरा नहीं है, बुखार का कोई खतरा नहीं है, वैक्सीन लगना जरूरी है क्योंकि बीमारी में ताँ रोक लगेगी जी आप इस वैक्सीन को लगाएंगे। मास्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी संस्था सिख धर्म संस्था सब बहुत ही आपके भारी हैं, जो अपने कोटा में जो प्रशासन मार्ग को बोलता है, जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगा था लगातार रात दिन लंगर चलता थी, सब लोगों को कोटा में लंगर खिलाया जाता सी, ऐसा नहीं किसी को लंगर ना मिला हुए। हम आपके संदेश की पालना करेंगे तो जितना भी हमारी ड्यूटी बनती है हम लोगों के ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मास्क लगाना, जो रोग चल रहा है उसकी सावधानी से रहना अपने लिए बहुत जरूरी है। हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और महेश शर्मा जी, मैनेजर किला देवी ट्रस्ट करौली। चालू है करौली है कोई? मुख्यमंत्री जी को सादर नमस्कार। नमस्कार। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट हमेशा सरकार के साथ है। पिछली साल भी हमने भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था और कस्बे में सैनिटाइजेशन किया, आर्थिक सहायता भी दी। अभी भी हमारा मंदिर 8 अप्रैल से बंद है, हालांकि इस मेले में, चैत्र मेले में 35-40 लाख लोग आते हैं, लेकिन जन सुविधा और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये निर्णय लिया। 8 अप्रैल से मंदिर अभी भी बंद चल रहा है और जो भी सरकार का फैसला होगा जनहित में उसके लिए कैला देवी मंदिर ट्रस्ट हमेशा साथ है और साथ रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद बोल आपका। गिरा सिंह जी भारत करणी माता मंदिर बीकानेर दोस्तोख। गिरा सिंह जी भारत। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, जैसे एक्सपर्ट्स के जो अमेंडमेंट आए थे आज, आज जो हमने जो मेडिकल स्टेटिक्स देखी और जिस हिसाब से ये स्प्रेड हो रहा है उस इस स्प्रेड को देखते हुए हमारा देश में करणी मंदिर प्रशासन राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने को तैयार। और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये संत कुमारी शर्मा अक्षय पात्र हो गया सर, छोटे जिलों में से कोई कदम छूट गया नहीं, कोई छूट के देख लिया। अक्षय पात्र संत कुमार शर्मा ठीक है, जलाने वाला है और कहा जला कर जी त्रिपुरा सुंदरी दिनेश चंद पंचाल कमलेश बुनकर जी भिरोड़ा रवि कुमार शिपा ओम पाराशर जी माँ लक्ष्मी मंदिर
अमरत अली ईदगाह दरगाह की तोड़, लक्ष्मीकांत गुप्ता मेहंदीपुर बालाजी हो गया चित्तौड़ सर, चित्तौड़ सर, चित्तौड़ हाँ सर बोलिए। जाकिर हुसैन नाम है मेरा, राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले वर्ष कोरोना का जो आपने प्रबंधन किया वो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में उसको सराहा गया। राजस्थान की जनता को आप पे भरोसा है साहब कि इस बार जिस तरह की जो ये लहर आई है कोरोना की, हमें ये भरोसा है कि आप वेंटिलेटर का इंतजाम कर देंगे, आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर देंगे, आप वैक्सीनेशन को बढ़ा देंगे, इंजेक्शन लगवा देंगे। लेकिन मेरा हुक्म, एक छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, एक छोटा सी राय है मेरी कि जिस तरह धर्म गुरुओं को, सामाजिक संस्थानों को, सरकारी कर्मचारियों को, राजनीतिक दलों को, जैसे आपने सबको चुना साहब, उसी तरह मैं ये चाहता हूं कि इस कहानी को और नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोहल्ला वाइज वार्ड वाइज कोरोना वॉरियर्स बनाए जाए, जो आपकी योजना को, प्रशासन की योजना को नीचे तक पहुंचाए, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके पैम्पलेट के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के ग्रुप बना के वार्ड वाइज लोगों को जागरूक करें। क्योंकि इस वाली लहर में आपसे तो जनता को पूरी उम्मीद है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है जनता में जागरूकता की। उसके लिए कोरोना वॉरियर्स वार्ड वाइज बनाए, जिला प्रशासन के लोग बैठे, हमारे सभापति संदीप जी शर्मा बैठे हुए, मैं आप दोनों से भी निवेदन करूंगा। हुक्म लास्ट में एक बात और कहूंगा, जोधपुर के एक महानुभाव कह रहे थे कि आपने जोधपुर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा ये मानना है आप तो पूरे राजस्थान के दिल में बसते हो, पूरा राजस्थान आपका है, और मैं तो ये कहता हूँ कि चित्तौड़ आपके दिल में बसता है, और आगे आप जैसा दिशा निर्देश कहेंगे वैसा हम आपका आदेश की पालना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके पूर्व में जो दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे हैं उसी के अनुसार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ट्रस्ट में हम समस्त व्यवस्थाएं कर रहे हैं और दर्शन व्यवस्था सुलभता से करवाई जा रही है। परंतु दिक्कत एक ही आती है कि जो दर्शनार्थी गांवों से आते हैं तो उनके जो आवागमन के साधन है, बस आदि, तो उसमें भीड़ भाड़ रहती है, बाजारों में भीड़ भाड़ रहती है, और बस स्टैंड आदि, इन पर थोड़ा नियंत्रण रखा जाए तो इसके बारे में कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रस्ट मंडल और जो धार्मिक संस्थान है वह पहले से ही एडवांस में अपनी व्यवस्था रखते हैं और पूरी तरह से जो व्यवस्था करनी चाहिए उसका पालन कर रहे हैं। जय मातृपुरे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जैन, आदिनाथ एनजीओ, ह्यूमन हेल्पलाइन। बहुत ही गर्व का विषय है जब हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत जब जब प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की आपदा आई है और उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो वास्तव में सराहनीय रहे हैं और उसमें अवश्य ही विजय प्राप्त हुई है। कोई नाम नहीं लिया अपने। साथ ही सर मेरा एक निवेदन था कि जब कोविड टेस्ट होते हैं तो उस समय एक लंबी भीड़ सेंटर के अंदर आती है क्योंकि समय अवधि काफ़ी कम रहती है, 4 से 5 घंटे टेस्टिंग चलती है। चाह करके भी चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, क्योंकि पीड़ित लोग आते हैं उनको डंडे के बल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करा सकते क्योंकि उनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा रहती है कि वो कई बार अकेले आते हैं, परिवारजन भी साथ में नहीं रहते। 1,000 व्यक्ति पॉजिटिव हो रहे हैं। साथ में सर जब देखा जाता है कि उसकी रिपोर्ट, जैसे भी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि तीसरे चौथे दिन जब तक संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम खुद एक हेल्पलाइन चलाते हैं और अपना घर आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, इन दिनों देखने में आ रहा है कि संवेदनशीलता इतनी गिरती जा रही है कि कल रात को एक महिला को उसके परिजन शिवपुरा चौराहे पे पटक गए, जिसे अभी हम एम्बुलेंस के द्वारा अपना घर आश्रम में लेकर गए हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं कि कहां तो कोविड का इलाज कराए प्रशासन या चिकित्सा कर्मी, वहीं पर ही तरह तरह की जो आपदाएं आ रही हैं।
साथ में सर सख्ती की जहां तक बात है, थोड़ा सा पुलिस को भी मानवीय पहल को देखते हुए चालानों के अंदर जो कोरोना संबंधित चालान है वो तो हो, लेकिन अभी वाहनों के चालान जब कोटा के अंदर अभी लगातार 700-800 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो माना जा सकता है कि 700-800 लोगों के परिवारजनों का मूवमेंट शहर के अंदर हो गई होगा, क्योंकि कोई रेमडेसिविर को लेकर के भाग रहा है, तो कोई प्लाज्मा थेरेपी के लिए भाग रहा है, डॉक्टर्स दे देते हैं प्लाज्मा की एक या दो डोनेशन होते हैं, लेकिन उसकी मांग 50-50 गुना ज्यादा है। जब पुलिस वाले रास्ते में पकड़ लेते हैं तो वो ना तो कागजात साथ रखता है, उसके लिए एक ही है कि भाई मेरा व्यक्ति किसी तरह से बचना चाहिए। अभी देखा है परसों किशोरपुरा थाने में 13,500 रुपए का चालान एक स्टूडेंट का कर दिया गया। तो सर ये पहले तो देखने पड़ेंगे, विपदा आई भी है, कम से कम अगर किसी का है, कोई अगर कोविड को लेकर के अगर नहीं करता इस तो उसका चालान तो हो, लेकिन परेशान व्यक्ति का जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, वो सरकारी अस्पतालों में दर दर की ठोकरे खा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर एक एक दो दो लाख का बिल के बावजूद भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम अगर सख्ती तो की जाए, लेकिन सख्ती ऐसी नहीं कि उसको व्यापारी, पुलिस इन दिनों व्यापार के रूप में चालान बड़े बड़े काट रही है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए निर्णय किए जाए, जैसे सब्जी मंडी इन दिनों सब्जियों की आवक और धान मंडी के अंदर क्योंकि फसल काफी ज्यादा आ रही है, तो वो भी व्यापार का एक उचित समय है, तो सख्ती तो अपनी जगह है, व्यापारिक संगठन भी इसके लिए राजी हैं जो आप सख्ती करेंगे उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यापारी ही कोरोना फैला रहा है, इसके जो मुख्य कारक है वो बड़े बड़े जो समूह है, बड़े बड़े आयोजन है, उस पर तो पूर्ण पाबंदी लग जाए, जो धार्मिक आयोजन के नाम पर जो प्रभात फेरियां निकल रही है और जो बड़े बड़े शोभा यात्रा निकली उस पर पूरी रोक लगाई जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी दिया आपने। पंडित मनोज भारद्वाज जी, पंडित बिहारी मंदिर भरतपुर बैठे हैं क्या? पंडित मनोज भारद्वाज जी, पंडित बिहारी मंदिर भरतपुर। हाँ सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार मंत्री महोदय जी, जो पहले आपके जो आदेश थे और अब आगे जो होंगे उन पर ही चल रहे हैं, उन पर ही चलेंगे। बोलो भाई, बोलिए सर जी। जो आपने पहले जो निर्देश निकाले हैं, जो आप निकालेंगे उन पर ही हम चले हैं, उन पर ही चलेंगे। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। विजय सिंह जी, अध्यक्ष शिक्षक समिति। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर। सर प्रथम तो मैं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती सप्ताह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ सर। और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने जो कोविड की दूसरी लहर के बचाव के लिए सारे शिक्षक संगठनों की, कर्मचारी संगठनों की और हमारी धर्मगुरुओं की जो ये मीटिंग आप पूरे राजस्थान में ले रहे हैं वीसी के माध्यम से, बहुत ही सराहनीय है सर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे कर्मचारी संगठन आपकी प्रथम लहर में भी आपके साथ थे, आपने जो आदेश किए उनमें हमने पूर्ण योगदान के साथ तन मन और धन से आपका सहयोग किया। और सर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे कर्मचारी संगठन विशेषकर शिक्षक संगठन और मेरे शिक्षक साथी, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूंगा, शिक्षक धरातल पर गांव के अंतिम कड़ी तक जुड़ा हुआ होता है और आपके जो ऊपर से जो भी आदेश आते हैं, जिस तरीके की गाइडेंस आती है, उन उनकी पालनाओं के लिए हम नीचे जो हमारा समाज है उस समाज तक उस कड़ी बन करके हम उसको पहुंचाते हैं सर। एक मैं सर निवेदन आपसे ये करना चाहूंगा कि हमने पिछली लहर में उस टाइम हमारे अध्यापकों ने स्माइल टू प्रोग्राम, स्माइल वन प्रोग्राम, आओ घर से सीखें, इस तरीके के प्रोग्राम चले, उन प्रोग्रामों में भी बढ़ चढ़कर हम लोगों ने हिस्सा लिया था और आगे भी सर इस द्वितीय लहर में हम पूरे तन मन और धन से जो भी सरकार के निर्देश आएंगे उन सरकार के निर्देशों के साथ काम करेंगे। और सर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हमारा हर ब्लॉक स्तर पर हमारे जो साथी हैं वो कोविड की हर
उसमें काम कर रहे हैं। विशेषकर सर आज का ही मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कोरोना के संदर्भ में कोरोना बचाओ रैली, साइकिल रैली निकाली है सर, और हमने भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से हमें बहुत सहयोग मिला और प्रशासन के सहयोग से हमने आज रैली निकाली सर। कोविड की जानकारी हमने लोगों को साइकिल रैली के माध्यम से दी है, और ऐसे ही आगे जो भी निर्देश आपके मिलते रहेंगे उनकी हम पालना करते रहेंगे। और सर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका, हमारे भरतपुर से हमारे जनप्रिय नेता सुभाष गर्ग जी आपके चिकित्सा में राज्य मंत्री हैं, उनका भरतपुर के लिए हमेशा और पूरे राजस्थान के लिए सहयोग रहता है। साथ ही भजनलाल जाटव जी हमारे यहाँ से बहुत जनप्रिय मंत्री हैं, आपने आपके उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। जी अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी और इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, धर्मगुरु जी, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, एनजीओस के प्रतिनिधिगण और समस्त अधिकारीगण जो वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों के माध्यम से यहां जुड़े हुए हैं, इस लगभग 3.5 घंटे की इस वीसी के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी ने एक, जो आप सब जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी का जो दौर सेकंड आया है, वेव आई है, उससे चिंतित होकर के सदैव चिंतित रहते हैं, लेकिन अब जो स्थितियां बिगड़ रही हैं ये ना बिगड़े, और जिस तरह से कोरोना प्रबंधन पिछले फेज में, फर्स्ट फेज में किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए वीसी आयोजित की गई है। और मुझे खुशी है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने, धर्मगुरुओं ने, शिक्षक संगठनों ने, कर्मचारी संघों ने, व्यापारिक संगठनों ने और मजदूर संगठनों ने, एनजीओज ने, सभी ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी राजस्थान सरकार आपकी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो भी कदम आवश्यक होंगे उन कदमों को सरकार उठाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरी राजस्थान सरकार, मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हम सब मिलकर के इस सेकंड जो वेव है इसको कंट्रोल करेंगे, और किसी को भी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई कोरोना की वजह से किसी की मृत्यु ना हो, और किसी भी तरह से आजीविका पर भी, रोजगार का भी आंच ना आए, और कोरोना जो प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसको ध्यान में रखते हुए हम निर्णय लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, आप जानते हैं, इस युद्ध से आपके सहयोग से ही लड़ा जा सकता है, और मैं उम्मीद करता हूं इस पूरे युद्ध में आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, निश्चित रूप से आपने आश्वस्त किया है। मैं अपनी ओर से, विशेष रूप से सरकार की ओर से भी आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। ठीक है, ओके।
Your meeting has ended.